हेलो गाइस टूडेज टॉपिक इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इस टॉपिक के बारे में बच्चे यूजुअली दो बातें करते हैं नंबर वन मैम कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगाना है ये हमें पता नहीं चलता नंबर टू हमें फार्मूलाज याद नहीं रहते ये प्रॉब्लम आपको तभी आएगी व्हेन यू डू नॉट नो द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द टॉपिक इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है दैट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एक हिस्ट्री है ये सडनली नहीं आया है ओके okay, तो ब्रॉडली ये टॉपिक तीन थियोरीज पे बेस्ड है नंबर वन मॉडर्न पोर्टफोलियो थियोरी बाय हैरी मार्कोविट्स कैपिटल मार्केट थियोरी बाय विलियम शार्प एंड आर्बिट्राज प्राइजिंग थियरी बाय स्टीफन रॉस अपने को ये तीनों टॉपिक पढ़ने हैं एज पर द करिकुलम एंड आपके जितने भी सम्स बनते हैं चैप्टर में वो सारे इन्हीं तीन थियरीज पे बेस्ड है तो जो बात हैरी मार्कोविट्स ने बोली फॉर्मूलाज अकॉर्डिंगली आएंगे जो बात विलियम शार्प ने बोली वहां फॉर्मूलाज अकॉर्डिंगली आएंगे और जो बात स्टीफेन रॉस ने बोली है वहां फॉर्मूलाज अकॉर्डिंगली आएंगे सो so, मुझे नहीं लगता इतनी कन्फ्यूजन के लिए कोई भी जगह है टॉपिक के अंदर में ओके okay, तो ये पूरा अपने को डिटेल में पढ़ना है लेकिन अपने टेक्निकल तरीके से डिस्कशन करना चालू करें इस टॉपिक की उसके पहले ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि जब मैं पोर्टफोलियो बोलती हूँ तो आपको क्या समझता है आई मीन टू से वट डू यू कॉल इसका मतलब ये है कि पोर्टफोलियो का मतलब क्या है आपको पोर्टफोलियो से क्या समझ में आता है सिंस यू आर नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी मैं ही आंसर देती हूँ वेन आई थिंक अबाउट अ पोर्टफोलियो आई मीन टू अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कलेक्शन ऑफ असेट्स और जब मैं असेट्स बोलती हूं तो मेरे दिमाग में आती है इन्वेस्टिबल अट्स नंबर वन इक्विटी नंबर टू फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी या फिर आप बॉन्ड और डिवेंचर भी बोल सकते हो डेरिवेटिव्स कमोडिटीज कमोडिटीज की एक कैटेगरी का एक और होता है बुलियन गोल्ड एंड सिल्वर देन रियल एस्टेट फॉरेन करेंसीज एंड मेनी मोर ऑफ दिन ये आपकी ब्रॉड कैटेगरीज है एज फार एज सी ए फाइनल करिकुलज कंसर्न वी हैव टू फोकस मोर ऑन स्टॉक्स एंड इक्विटी गाइज ओके तो ये पूरा मैंने यहां पर लिख के रखा है दैट कलेक्शन ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड अ पोर्टफोलियो देर आर वेरियस एसेट कैटेगरीज विच कैन बी इंक्लूडेड इन अ पोर्टफोलियो नंबर वन इक्विटी और स्टॉक्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज कमोडिटीज बुलियन फॉरेन करेंसीज रियल एस्टेट एंड डेरिवेटिव ओके तो मैंने यहां पे यह भी लिखा है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बाय हैरी मार्कोविट्स मैं आपको तीनों नाम पहले लिख देती हूं पोर्टफोलियो Will divide this into three parts, guys. Modern Portfolio Theory or MPT by Harry Markowitz. Then कैपिटल मार्केट थियरी और सी एम टी बाय विलियम शार्प इसका नाम आपने जरूर सुना होगा काफी बार वो भी ही इज अ वेरी वेरी पॉपुलर एंड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड एक्चुअली एंड द थर्ड वन इज आरबीटराज इजिंग थ्योरी और एपीटी बाय स्टीफन रॉस ओके ये तीन ब्रॉड थ्योरीज हमको पढ़नी है और ये तीनों थ्योरी वन बाय वन जाएगी मतलब पहले हमको एमपीटी पढ़ना पड़ेगा फिर सीएमटी पढ़ना पड़ेगा और तभी मैं एपीटी पढ़ा पाऊंगी अपन रैंडम नहीं जा पाएंगे इस केस में ओके okay? तो so, सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी बाय हैरी मार्कोविट्स देखो देखोग यहां पे क्या लिखा हुआ है करके ओके नाउ हियर ही सेज दैट कुछ बातें इसने बोली है ओके okay? तो वो जो बातें बोली है इसने वो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताती हूं पोर्टफोलियो ओके इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इन्वेस्टर टू क्रिएट एन ऑप्टिमम पोर्टफोलियो आप बोलोगे मैम ऑप्टिमम पोर्टफोलियो क्या होता है तो मैं बोलूंगी एन ऑप्टिमम पोर्टफोलियो इज दैट पोर्टफोलियो विच गॉट द हाइस्ट यूटिलिटी ओके योर नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी मैम हाउ डू वी मेजर यूटिलिटी तो मैं बोलूंगी अ पोर्टफोलियो विच हैज गॉट द हाईएस्ट रिटर्न एंड द लोएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क विल हैव द मैक्सिमम यूटिलिटी आपका अगला सवाल आना चाहिए कि मैम हाउ डू वी मेजर रिस्क एंड रिटर्न देन आई वुड से दैट रिस्क एंड रिटर्न कैन बी मेजर्ड बाय टू स्टैटिस्टिकल मेथड्स कॉल्ड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रिटर्न विद द हेल्प ऑफ मीन एंड रिस्क वी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेवीएशन इन शॉर्ट आपको जब मैं बोलूं कि प्लीज आप रिस्क और रिटर्न निकालो तो आप निकालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन ओके ये पूरा का पूरा सिनापसिस था यह पूरी जो बातें मैं बोल रही हूं यह अपने मन से नहीं बोल रही ये बातें हैरी मार्कोविट्स ने अपनी थियोरी में सारी बातें बोली है ओके okay? लेकिन बिफोर आई स्टार्ट कैलकुलेटिंग पोर्टफोलियो का रिटर्न एंड रिस्क आई नीड टू टीच यू हाउ टू कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी वो क्यों क्योंकि अल्टीमेटली जब आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो उसके अंदर आप स्टॉक्स डालोगे तो आप क्या कोई भी स्टॉक डालोगे क्या गए कोई भी तो नहीं डालोगे ना आप पहले सिलेक्ट करोगे जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स होंगे वो आप डालोगे तो जो अच्छे स्टॉक हैं उसका पता कैसे चलेगा आपको तो वो पता करने के लिए दो चीजें आप चेक करना फ्रॉम द यूनिवर्स रिटर्न ज्यादा है या फिर रिस्क कम होना चाहिए दोनों में से कोई एक भी क्वालिटी अगर फुलफिल होती है देन दैट स्टॉक और इक्विटी वुड बी एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो आपको ज्यादा रिटर्न वाला चाहिए कि आपको ज्यादा रिस्क वाला चाहिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको रिस्क लेने की ताकत कितनी है क्योंकि जिस स्टॉक का रिटर्न ज्यादा होगा उसका तो रिस्क ज्यादा होगा ही ना और जिसका रिटर्न कम होगा उसका रिस्क कम होगा तो दोनों बातें एक साथ नहीं होती या तो आपको ज्यादा रिटर्न वाला स्टॉक चाहिए होगा या फिर कम रिस्क वाला स्टॉक चाहिए होगा दोनों एक साथ नहीं आते ओके तो इन ऑर्डर टू नो विच स्टॉक्स आर गुड विच स्टॉक्स आर नॉट गुड वी नीड टू टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न एंड साइड विच स्टॉक्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो ओके सो बिफोर वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो और रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो वी नीड टू कैलकुलेट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज ओके तो सिक्योरिटीज का रिस्क और रिटर्न निकालने का या फिर मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का ब्रॉडली दो तरीके होंगे और वो कोई दो तरीके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नहीं है वो दो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड है मैं आगे बढूं, इसके पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ दैट देयर वुड बी एग्जॉस्टिव यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द चैप्टर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा रिस्क निकालो रिटर्न निकालो मतलब मीन निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो को वरायस निकालो कोई फिशेंट ऑफ को रिलेशन निकालो एंड यूज ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड ऑल दैट इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टैटिस्टिक्स नहीं है लेकिन फिर भी पूरे चैप्टर में सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की ही एप्लीकेशन आएगी ओके तो अगर आपको याद है तो स्टैटिस्टिक्स में आप दो तरह का डेटा यूज करते थे नंबर वन हिस्टोरिकल डेटा मतलब क्या हुआ जब मैं पोर्टफोलियो की बात कर रही हूं तो अपन पोर्टफोलियो के कॉन्टेक्स्ट में डेटा और स्टैटिस्टिक्स साथ में बात करते हैं वरना आ, बहुत बल्कि हो जाएगा यू नो काइंड ऑफ डिस्कशन तो सपोज करो कि एक स्टॉक है जो कि पांच या दस साल से मार्केट में लिस्टेड है ओके okay? दस साल से लिस्टेड है तो मैंने उसके लास्ट पांच साल के मतलब लास्ट पांच साल पीछे के रिटर्न मैंने उसके आइडेंटिफाई कर लिया मैंने कैलकुलेट कर लिया ओके okay? तो मुझे ये एक्चुअली जानना है कि ये स्टॉक मैं खरीदूं क्या नहीं खरीदूं और अगर खरीदा हुआ है तो मैं रखूं कि नहीं रखूं ये कोई भी बात अपन वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर आर सेल्स ओके तो मुझे कैसे पता चलेगा तो कोई भी चीज के बारे में उसकी हिस्टोरिकल बिहेवियर से ही तो पता चलेगा ना तो अपन क्या करेंगे जो भी सम में बोलेगा उसके हिसाब से पांच साल का वो जो रिटर्न है सपोज एक साल पिछले पांच साल में उसने एक साल दस बारह पंद्रह तेरह समथिंग लाइक like, ऐसे रिटर्न्स दिए ओके तो मैं क्या करूंगी उन पांचों रिटर्न का टोटल करूंगी और डिवाइड बाय फाइव डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, डिवाइड बाय फाइव मैं करके एवरेज रिटर्न निकालूंगी और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब क्या वो जो पांच साल का आपका रिटर्न है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालूंगे अगर सपोज करो कि एवरेज रिटर्न आता है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 5, इसका क्या मतलब हुआ इसका यह मतलब हुआ दैट द स्टॉक हैज गिवन एन एवरेज रिटर्न ऑफ 10% परसेंट इन द लास्ट फाइव ईयर्स विथ अ डेविएशन ऑफ फाइव परसेंट ऑन ईदर साइड तो जब मुझे उसकी हिस्ट्री पता चल गई तो ऑबियस ही बात है कि मैं ये सोचूंगी कि अगले साल स्टॉक विल बिहेव समथिंग लाइक सिमिलर अगर कोई चीज लास्ट पांच सालों में एवरेज रिटर्न दस का दे रही है तो यह पॉसिबल नहीं है कि वह अगले साल पचास या सत्तर या हंड्रेड का रिटर्न देगी देर इज समथिंग कॉल्ड नेचुरल ऑल्सो एंड दैट इज वाई वी ट्राई टू फाइंड आउट द हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न ऑफ अ स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा ओके हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे वी कैलकुलेट द हिस्टोरिकल रिटर्न ये एक तरह का डेटा हुआ तो इसमें डिवाइड बाय फाइव किया इसका क्या मतलब हुआ वो जो पांच साल का आपका डेटा है ओके okay? तो मैं किसको ज्यादा वेट दू ना क्योंकि वो सारे रिटर्न ईयर वन टू थ्री फोर फाइव में सारे हो चुके हैं तो मैं किसी को भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती एंड दैट इज वाई आई डिवाइडेड बाई फाइव जिसका मतलब यह हुआ दैट यू हैव गिवन इक्वल वेट टू ऑल द रिटर्न ओके तो अगर आपके पास में डेटा पास्ट का है तो आप नॉर्मल एवरेज निकालोगे एड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट एंड कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल डेटा लुक एट द सम एंड डेटा एंड द कैलकुलेशन ऑल्सो मैंने लिखा है यहां पर एज पर द मार्कोविट्स इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी इन्वेस्टर टू क्रिएट एन ऑप्टिमम पोर्टफोलियो ओके अ पोर्टफोलियो कैन बी कॉल्ड ऑप्टिमम इफ इट हैज गॉट द हाइस्ट यूटिलिटी दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी वर्ड आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा यूटिलिटी इज अ वेरी एबस्ट्राक्ट कॉन्सेप्ट मतलब भूख लगी है प्यास लगी है इसको मेजर नहीं कर सकते हम ओके बट यूटिलिटी हियर के कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ रिस्क एंड रिटर्न मतलब जो भी एसेट का रिटर्न ज्यादा होगा या फिर रिस्क कम होगा उसकी यूटिलिटी मेरे लिए हाई होगी ओके देन रिस्क रिटर्न कैन बी मेजर्ड बाई मीन एंड रिस्क कैन बी मेजर्ड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने ये यहाँ पे ये यह ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके लिए देन कंप्यूटेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज डेटा एक्स पोस्ट डेटा दो तरह के डेटा होते गाइस मैं आपको लिख के बता देती हूँ दो तरह के डेटा टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स ऑफ डेटा तो इसमें दो तरह के डेटा आएंगे हिस्टोरिकल डेटा और वी ऑल्सो कॉल दैट एज एक्स पोस्ट डेटा इसको बोलते हैं फ्यूचर डेटा बताऊंगे मैं आपको डिटेल में फ्यूचर डेटा या yeah, फिर वी कैन ऑल्सो कॉल एक्स एंटी डेटा डिपेंडिंग ऑन क्या डेटा दिया है अपना कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली जाएगा ओके okay? नाउ यहां पे देखो आप तो कंप्यूटेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटीज वेयर दे हैव गिवन हिस्टोरिकल डेटा मतलब जो हो चुका है वो आपको दिया हुआ है तो हाउ विल यू कैलकुलेट एवरेज रिटर्न और मीन समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन जब आप डेटा पॉइंट्स को टोटल करके नंबर ऑफ डेटा पॉइंट डिवाइड करते हो बाई एन इट गिव्स योर नॉर्मल एवरेज एंड दिन इज दैट ऑल द डेटा पॉइंट हैव बीन प्रोवाइडेड इक्वल वेट विदाउट एनी बायस ओके अब आगे और बढ़ू उसके पहले एक चीज मुझे जरूर बोलनी चाहिए ओके okay? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आप चाहो तो नोट डाउन कर लो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे नोट्स में ये दोनों पॉइंट नहीं लिखे हुए हैं ओके पॉइंट नंबर वन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अगर आप मेरी दो बात मानोगे तो आपसे कैलकुलेशन का एरर कभी भी नहीं आएगा पॉइंट नंबर वन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में दो चीजें हो सकता है सम में ऑफ एंड ऑन दी हुई रहेगी स्टॉक्स की प्राइसेस और डिविडेंड रूपीज में अमाउंट में दूसरा रिटर्न्स तो एक अमाउंट में है दूसरा परसेंटेज में है मैं आपको एक बात बता दूं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर में कोई भी कैलकुलेशन अमाउंट पे नहीं करी जाएगी मतलब अगर आपको प्राइसेस दी हुई है तो आप पहले अपने अमाउंट को रिटर्न्स में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद ही डेटा में आप या कैलकुलेशन में आप आगे बढ़ोगे अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कोई भी कैलकुलेशन अमाउंट पे नहीं करते पॉइंट नंबर टू रिटर्न्स पे कैलकुलेशन करना है तो 12 परसेंट दस परसेंट ग्यारह परसेंट ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो आप उसको पॉइंट वन टू पॉइंट वन जीरो मत करना आप उसको ट्वेल्व टेन और इलेवन ही एज अ नॉर्मल एब्सोल्यूट नंबर ट्रीट करना बाजू में परसेंटेज लगाना क्योंकि अगर आपने उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट किया तो आगे आंसर निकालने में आपसे मिस्टेक होगी तीसरी बात एक्चुअली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर में Osionfish. कोई भी कैलकुलेशन डेसिमल पे नहीं आएगी ये मैंने आपको तुरंत अभी बताया सिर्फ एक डेटा है जो डेसिमल में ही लिखा जाएगा एंड वो है वेट्स आप बोलोगे मैम वेट्स क्या होता है अगर आपके पास 10 लाख ,00, रुपए आप आपको 7 लाख ,00, रुपए 7 लाख रूपीज अगर आपको रिलायंस में लगाना है और 3 लाख रुपीज अगर आपको एसबीआई में लगाना है तो 0.7 विल बी द वेट ऑफ रिलायंस एंड 0.3 विल बी द वेट ऑफ एस Do not forget these three points ever in life if you want to avoid calculation errors in this chapter. Okay? तो ये जो मैंने लिखा है यहां पर ये वाली जो चीज लिखी है ये इसमें से एक पॉइंट आएगा अगर सम में उन्होंने परसेंटेजेस में आपको डेटा दिया है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रिटर्न और रिस्क निकालोगे अगर उन्होंने अमाउंट दिया है तो पहले आप उसको रिटर्न्स में कन्वर्ट करोगे वो कैसे डी वन प्लस पी वन माइनस पी जीरो बाई पी जीरो इन टू हंड्रेड मतलब क्या आपने सौ रुपए में स्टॉक खरीदा आपको दस रुपए का डिविडेंड दिया और आपने एक सौ दस में स्टॉक को बेच दिया बताओ रिटर्न कितना ट्वेंटी परसेंट हाउ टेन रुपीज डिविडेंड प्लस वन वन जीरो माइनस हंड्रेड डिवाइड बाय हंड्रेड इंटू हंड्रेड विल गिव यू ट्वेंटी परसेंट मतलब अगर आपको डेटा नहीं दिया है तो प्लीज कन्वर्ट योर डेटा इनटू रिटर्न्स और इनटू परसेंटेजेस उसके बिना सम आगे नहीं बढ़ेगा ओके एंड फॉर दैट यू कैन यूज डी वन प्लस पी वन माइनस पी जीरो बाई पी जीरो इंटू हंड्रेड नाउ आप रिस्क या वराय ये गाइस मैं थोड़ा कर रही हूं कि आपको आती है चीजें मैं आपको लॉजिक पे ज्यादा फोकस कराऊंगी रादर ताकि आपको फार्मूलाज याद ना करना पड़े कैसे निकालते ये तो आना चाहिए ना इस लेवल पे अपने को ओके ना स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं आपको अगर एक चीज पता होगी या मैं दिखाना चाहती हूं आपको यहां चीज जस्ट लुक एट हियर अगर सपोज करो कि आपके पास में मैं इस डेटा की बात कर रही हूँ ईयर वन टू थ्री एंड फोर ओके सो एक्स परसेंटेज दिया हुआ है टेन देन ट्वेल्व देन फोर्टीन एंड सिक्सटीन और मैं आपको बोल रही हूँ इसका रिस्क और रिटर्न निकालो मैं जैसे आपको ये समझाऊंगी फॉर्मूलाज आपको नेचुरली याद हो जाएंगे ओके okay, तो पहले टोटल करते हैं रिस्क और रिटर्न निकालो या रिटर्न और रिस्क निकालो मतलब क्या निकालो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो तो जस्ट टेक अ टोटल ऑफ दिस टेन प्लस ट्वेल्व प्लस फोर्टीन प्लस सिक्सटीन यू आर गेटिंग फिफ्टी टू ओके सो ना फिफ्टी टू डिड बाई हाउ मेनी डेटा पॉइंट फोर डिवाइड बाई फोर एक्स बार एवरेज रिटर्न ऑफ एक्स विल बी समेत ऑफ एक्स n फिफ्टी 52 डिड बाई 4 इज गोइंग टू गिव मी 13 परसेंट ओके नाउ मुझे इसका डेविएशन निकालना है आपको बोलूं एक बात में डेविएशन का मतलब होता है कि डेटा अपने मीन से कितना डेविएट कर रहा है तो so, निकालते हैं ना x माइनस एक्स बार अपने मीन से कितना डेविएट कर रहा है तो टेन माइनस थर्टीन टोटल यू विल गेट जीरो डेविएशन जीरो आ रहा है अगर देखा जाए तो अपने मीन से डेविएट ही नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है देख करके ये गलत है ये मैथमेटिकल एरर है ओके okay, ये मैथमेटिकल एर है डेविएशन जीरो कब होगा सच में जीरो कब होगा जब ये सारे डेटा सेट दिस 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 एंड दिस विल बी सेम टेन 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 ट्वेल्व 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 तो टोटल करोगे तो जो भी आएगा टोटल और एवरेज करोगे तो वापस से आपको अगर सपोज करो आपने टेन 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 और टेन लिया तो टोटल आएगा चालीस और फोर्टी और बाई फोर करोगे तो आपको आएगा टेन मतलब एवरेज टेन देन एक्स माइनस एक्स बार विल बी जीरो एवरीवेयर जीरो ओके okay, जीरो आएगा वो तो वो उस केस में डेविएशन सच में जीरो है यहां जीरो नहीं है ये मैथमेटिकल एरर है इस मैथमेटिकल एरर को ठीक करने के लिए व्हाट विल यू डू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर नाइन वन वन नाइन एंड दिस विल गिव यू नाइन नाइन एटीन एंड प्लस टू ट्वेंटी परसेंटेज क्यों square? ये परसेंट है तो परसेंट माइनस परसेंट परसेंट एंड इन टू परसेंट विल गिव यू परसेंटेज ओके दिस इज नाउ अगेन परसेंटेज इसलिए तो आपको पता है डेट को रिस्क फ्री बोला जाता है क्यों पता है अगर आपने किसी को पैसा डेट के तौर पे दिया है तो वो बंदा आपको एक रेट ब्याज का देगा अगले चार सालों तक दस 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 और दस विदाउट एनी चेंज तो एवरेज ऑफ टेन इज टेन एंड डेविएशन ऑफ टेन इज अगेन टेन एंड दट इज वाई वी से डेट इज रिस्क फ्री इक्विटी इज नॉट रिस्क फ्री अगर डेटा सेम नहीं है तो so डेवियेशन है कैलकुलेशन एरर या मैथमेटिकल एरर बेटर वर्ड की वजह से जीरो आता है लेकिन उसको ठीक करेंगे ना डबल कर दिया आपने अब डबल करने के बाद इसको वापस से सिंगल लाना पड़ेगा तो so, वरायस ऑफ एक्स बिना वरायस निकाले बगैर आपको समझा अपन डबल क्यों कर रहे हैं तो डबल को वराय बोला जाता है सिंगल को स्टैंडर्ड डिविशन बोला जाता है वरायंस की कोई मीनिंग नहीं होती सिर्फ उस एरर को ठीक करने के लिए कैलकुलेट करना जरूरी है मतलब बिना वरायस कैलकुलेट करे बगैर आप स्टैंडर्ड डिविशन कैलकुलेट नहीं कर सकते ओके सो समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेर डिवाइड बाई एन तो हियर ट्वेंटी परसेंटेज स्क्टी डिवाइड बाई फोर होल स्कूट सो रूट ऑफ 5 परसेंटेज स्क्ट टू फोर परसेंट आपको पता है सिंगल करना जरूरी क्यों है आपको बताती हूँ मैं अगर सपोज आप मैं आपको बोलूं कि आपको आपने एस एफ एम का पेपर लिखा कितने मार्क्स आएंगे तो यू कि मैम मेरे को सिक्सटी मार्क्स आएंगे और फोर्टी आप इधर उधर समझो मतलब इट्स लाइक शॉक या मुझे मन करेगा कि ये क्या बोल रहा है ये बट आपने क्या बोला कि मैम एवरेज साठ आएगा चालीस इधर और चालीस उधर ये डेविएशन था मतलब यू आर से यू विल गेट मार्क्स इन द रेंज ऑफ ट्वेंटी टू हंड्रेड इसका मतलब ये भी हुआ गाइस कि स्टैंडर्ड डेविएशन को एक्सप्लेन करने के लिए मीन का होना जरूरी है केस टू मैं पूछू बेटा आपका पेपर कैसा गया तो आप बोलोगे मैम चालीस इधर चालीस उधर इसका कोई मतलब नहीं है किससे इधर किससे उधर आपने पहले एग्जाम्पल में सिक्सटी बोला तो मैंने उसको बेस पकड़ा आपने केस टू में आपने मुझे सिक्सटी नहीं बोला तो मैं किससे बेस पकड़ू तो दैट मीन्स टू से अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की मीनिंग निकालनी है तो मीन का होना बहुत जरूरी है So, when your mean is in single percentage term, then how can your deviation be in double percentage term? It has to be brought in the single percentage term. You mean you know how do you interpret this? that ma'am, this stock in the last four years has given a return of 13% with a deviation of 2.24% on either side. Matlab, 13 plus 2.24 will give you 15.24 on the higher side and 13. माइनस टू पॉइंट टू फोर विल गिव यू टेन पॉइंट सेवन सिक्स ये रेंज में लास्ट चार साल में रिटर्न रहा है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल भी कुछ ना कुछ ऐसा ही बिहेव करेगा दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल द कैलकुलेशन लेट्स क्विकली गो ऑन द फॉर्मुलाज एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड देखो आप मैंने ये आपको वराय के लिए कराया और फिर स्टैंडर्ड डिविशन ऑलरेडी एक्सप्लेन ओके नाउ लेट्स गो पे नोटेशंस डिफाइन किए हुए एक सिक्योरिटी के बारे में बोल रही हूं नंबर ऑफ डेटा पॉइंट वरायंस स्टैंडर्ड डेविएशन डिविडेंड एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर एंड करेंट प्राइस ये इस फार्मूला के लिए आ रहा है ये वाले फार्मूला के लिए यहां पर डी वन और पी वन ये कैसे एक साल का है फॉर वन ईयर फॉर वन ईयर ओके दिस फार्मूला अज्यूम्स दैट डिविडेंड विल बी पेड टुअर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर ओनली आप स्टॉक खरीदोगे और साल के एंड में आपको मिलेगा डिविडेंड और मिलेगा क्लोजिंग प्राइस ओके ये फॉर्मूला का जम्शन है एंड लेट्स नॉट चेंज इट एंड लेट्स नॉट गेट इनटू टू मच ऑफ लाइक कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो आई होप यू आर क्लियर नेक्स्ट इज एक्स एन टी और फ्यूचर डेटा ओके तो मैं आगे बढ़ रही हूं आपके लिए एक्स एन टी और फ्यूचर डेटा इसका भी एग्जाम्पल लेती हूँ आई थिंक विल अंडरस्टैंड बेटर सपोज करो कि आपने एक स्टॉक सौ रुपए में खरीदा ओके okay, हंड्रेड में आपने स्टॉक खरीदा और कंपनी ने दस रुपये का डिविडेंड अनाउंस कर दिया तो ये भी कांस्टेंट हो गया और आप बोल रहे हो कि मैम अगले साल या तो प्राइस हंड्रेड की ही रह जाएगी या फिर प्राइस वन वन फाइव हो जाएगी या फिर वन ट्वेंटी हो जाएगी कोई इवेंट पे बेस्ड है सपोज करो कि कंपनी कोई प्रोजेक्ट लगा रही है तो कंपनी ने अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो 120 की प्राइस होगी और इसकी प्रोबेबिलिटी 50 परसेंट है अगर प्रोजेक्ट आधा रह गया तो प्राइस 115 की होगी और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है अगर कंपनी प्रोजेक्ट चालू ही नहीं कर पाई जिसकी प्रोबेबिलिटी 20 परसेंट है तो स्टॉक की प्राइस 100 की 100 रह जाएगी तो तो आपने नोटिस किया आपने हिस्टोरिकल डेटा में अलग अलग साल के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे एक ही साल के बारे में बात कर रहे हैं यू नो वॉट द रिटर्न और द यू नो हाउ विल यू कन्वर्ट द डेटा इंटू रिटर्न तो ये जीरो का डेटा हुआ और अगले साल के ही तीन डेटा आ रहे हैं तो तीन डेटा के ऊपर तीन रिटर्न निकलेंगे पहला रिटर्न निकलेगा आपका एक्स परसेंटेज आपका निकलेगा कैसे निकलेगा टेन प्लस ये वाला हंड्रेड माइनस हंड्रेड तो जीरो आएगा डिवाइड बाई हंड्रेड विल गिव यू टेन परसेंट टेन आएगा रिटर्न आपका देन यू विल गेट वन वन फाइव माइनस हंड्रेड प्लस टेन डिवाइड बाई हंड्रेड विल अगेन गिव यू ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड देन वन ट्वेंटी माइनस हंड्रेड प्लस टेन Divide by 100 will give you 30% with a probability of 0.2, 0.3 and 0.5. इसको अपन क्या करेंगे? Px. You know what? ऊपर वाले सम में भी चार डेटा लिया था. डिवाइड by n किया. अगर डिवाइड by n नहीं करके सारे रिटर्न्स को 0.25, 0.25 से मल्टीप्लाई कर देते तो you would have gotten the same answer. But in here we are not equal weight the data, we that is why we can't do divide by n, rather we'll have to go by px. Okay, so here I 2, then 25 into 0. 0.3 will give you 7.5 and this will be 15. So average return will be 2 plus 7.5 plus 15, that will give you 24.5 फाइव परसेंट तो एक्स बार और एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलते हैं विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ पी एक्स इक्वल टू ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव परसेंट ओके नाउ अगेन एक्स माइनस एक्स बार जैसे वहां किया था एंड पी एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर आप ध्यान करो वहां पे x- माइनस एक्स बार होली डिवाइड बाई n किया था एवरेज वराय या एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था यहाँ पे एवरेज करने के लिए बाई n नहीं करेंगे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे सो so x- माइनस एक्स बार 10 माइनस ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव यू माइनस फोर्टीन पॉइंट फाइव इक्वल टू इंटू पॉइंट टू विल गिव मी फोर्टी टू पॉइंट जीरो फाइव जिस लिसन वाउ एम गोइंग

टोटल फोर्टी टू पॉइंटी टू पॉइंट जीरो प्लस जीरो सेवन फाइव प्लस फिफ्टीन पॉइंट वन टू फाइव गिव यू फिफ्टी सेवन पॉइंट टू फाइव परसेंटेज स्कोर उसको वापिस से डिवाइड बाई एन नहीं करना है क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉबिलिटी लगा, लगा करके एवरेज कर दिया है So, variance of x will be equal to summation of p x minus x bar square that is 57.25 percentage square. This is variance only or risk. Okay. And sigma x will be summation of p x minus x bar whole square and square root will be 57.25 percentage square and root. That should give me an answer of 7.57 percent. आई होप यू आर क्लियर एम जस्ट हेल्पिंग यू रिवाइज एट एट तो फार्मूलाज आप देखो यहां पर जाकर के एक चीज खाली ध्यान रखो कि आप हिस्टोरिकल डेटा में कई साल के डेटा के साथ डील कर रहे हो लेकिन प्रॉबिलिटी में सिर्फ आप अगले साल के डेटा के साथ डील कर रहे हो ओके सो लुक एट द फॉर्मूला फॉर दिस दिस इज दिस वरायंस एंड रिस्क और स्टैंडर्ड डेविएशन सम में जब भी रिस्क बोलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है वरायंस की कोई भी मीनिंग नहीं होती है ओके इट डजेंट हैव एनी मीनिंग क्यों निकालते हैं आपको मैंने यह बताया नाउ अगला जो टॉपिक आ रहा है कैलकुलेशन का वो है को वरायस एंड को ऑफ को रिलेशन पॉसिबली थोड़ा सा टेक्निकल वाले पार्ट पे हम एंटर थॉट एवरी स्टूडेंट शुड नो दीज टेक्निकल पार्ट आपका तो आपसे लेकिन अभी सुन लो आप उसने क्या बोला कि द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज अ वेटेड एवरेज अभी तक मैंने पोर्टफोलियो का डिस्कशन आपके साथ में बिल्कुल चालू भी नहीं किया है अभी सिर्फ हम स्टॉक्स का रिस्क और रिटर्न निकाल रहे हैं ये जानने के लिए कि मैं कौन सा स्टॉक लूं और मैं कौन सा स्टॉक नहीं लूं अब बात हैरी मार्कोविट्स या मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में चलने लग गए इस बंदे ने क्या बोला दैट रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज अ वेटेड एवरेज मतलब क्या हुआ अगर आपने दो स्टॉक लिया है रिलायंस और एस तो रिलायंस का रिटर्न अगर 10% परसेंट है और एस का रिटर्न अगर 20% परसेंट है और आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आपने 5 लाख रिलायंस में और 5 लाख एस में डाला है मतलब आपका वेट है पॉइंट और पॉइंट देन द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आरपी बार विल बी इक्वल टू एवरेज मतलब पॉइंट फाइव इंटू टेन प्लस पॉइंट फाइव इंट ट्वेंटी आई थिंक द आंसर शुड बी अराउंड फिफ्टीन The return of the portfolio will be a weighted average, where the weights are proportionate to the amount invested in the particular category of stocks. Ye bola. But risk of the portfolio is not a weighted average. Risk of the portfolio is actually a combination of three things. Number one, weights ऑफ द सिक्योरिटीज ऑब्वियस बात है आपके पास दो सिक्योरिटी है एक में एक रिस्की ज्यादा है एक में रिस्क कम है अगर आपने अपना ज्यादा पैसा हाई रिस्क वाले स्टॉक में डाला होगा तो पोर्टफोलियो का रिस्क कम तो नहीं आएगा ना या इन अदर वेज और इन अदर लैंग्वेज अगर आपने हाई रिस्क रिस्क वाले स्टॉक्स चूज किए हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए तो आपका पोर्टफोलियो का रिस्क कम तो नहीं आएगा ना ऑब्वियसली ज्यादा ही आएगा तो ही सेज दैट रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स इट इज डिपेंडेंट ऑन थ्री द सिक्योरिटीज नंबर टू रिस्क ऑफ द सिक्योरिटीज एंड नंबर थ्री द रिलेशनशिप बिटवीन द टू सिक्योरिटीज दो सिक्योरिटी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है उससे भी फर्क पड़ेगा यह आपको मैं और डिटेल में समझाऊंगी लेकिन आपको 2 मिनट मेरे लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा अपन हट के बात करते हैं मतलब टॉपिक से हट के बात करते हैं आप समझो कि मैं X हूं और आप Y हो मैं X सिक्योरिटी हूं और आप Y सिक्योरिटी हो ओके तो मैं जब इधर जाती हूं मैं जब इधर जाती हूं तो मैं एक कदम चलती हूं आप मेरे साथ बिल्कुल एक कदम चलते हो जब मैं दो कदम चलती हूं तो आप भी दो कदम चलते हो और जब मैंने जंप मारा नीचे सपोज करो जस्ट जम्प्ड समवेयर आपने मेरे बिल्कुल साथ में जंप मार दिया इसका क्या मतलब हुआ और जब मैं नीचे जाती हूँ तो आप मेरे साथ साथ नीचे जाते हो वन टू वन यू नो हाउ एक्सप्लेन आपने पोर्टफोलियो बनाया क्यों बनाया आपने पोर्टफोलियो बनाया रिस्क को कम करने के लिए कि अरे पूरा पैसा अगर अपने एक जगह डालेंगे और वो स्टॉक अगर डूब गया तो अपने पूरे पैसे डूब गए लेकिन एक काम करते हैं कि अपने पूरे पैसे को एक जगह नहीं डाल के सपोज दो जगह डालते हैं तो एक जगह अगर डूबेगा तो दूसरा बचा हुआ रहेगा लेकिन आपने को पूरे पैसे दो ऐसे स्टॉक में डाल दिए जो दोनों बिल्कुल साथ-साथ चल रहे थे क्या फायदा हुआ तो दोनों ने जब एक ने सुसाइड करी तो दूसरे ने उसके साथ सुसाइड करी तो क्या फायदा हुआ अल्टीमेटली आपका पैसा तो दुबई पूरा का पूरा क्योंकि आपने दो ऐसे स्टॉक चूज किए जिन दोनों के बीच में रिलेशनशिप 1 टू तो 1 था दो में क्यों डाला एक में डाल लेते ना अपन एंड दैट इज द लॉजिक हियर ही सेस दैट The risk of the portfolio will be dependent not on two factors. It will be dependent on three factors. Number one, weights of the securities, risk of the securities, and the relationship between the two securities. आप क्या बोलते हो? Relationship जितना ज़्यादा उतना अच्छा या जितना कम उतना अच्छा। मैं बोलती हूँ जितना कम उतना अच्छा। क्योंकि अगर एक jump करेगा या suicide करेगा, तो दूसरे को संभालने का हमें मौका मिलेगा अगर हमें यह पता रहेगा कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है ओके लेकिन अगर दोनों बिल्कुल साथ चलेंगे तो हमें दूसरे को संभालने का मौका भी नहीं मिलेगा ओके अब रिलेशनशिप क्या है दोनों सिक्योरिटीज में यह पता कैसे चलेगा यह पता चलेगा हेल्प ऑफ को एंड को इफिशेंट ऑफ को रिलेशन ओके मेरा खुद का खुद के साथ इस वरायंस एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्र और x माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार मेरा खुद का खुद के साथ रिलेशन माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई रिलेशन अगर हम दोनों साथ चलते हैं ओके तो अगर मार्केट ऊपर गया तो हम दोनों ऊपर जाएंगे अगर मार्केट नीचे गया तो हम अपने एवरेज से नीचे जाएंगे तो x माइनस एक्स बार पॉजिटिव y माइनस वाई बार पॉजिटिव

तो कोवैरियंस से हमको पता चलेगा दैट इन दोनों स्टॉक्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है एंड ऑन दैट बेसिस हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए कोवैरियंस आपको ज्यादा मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता एज अ मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेजर आपको जस्ट ये बताएगा रिलेशनशिप पॉजिटिव है नेगेटिव है या न्यूट्रल है उससे ज्यादा कुछ नहीं बताता मतलब क्या हुआ सपोज को वायंस आया 500 हंड्रेड परसेंटेज स्क्वेयर प्लस इसका मतलब ये तो पता चला हमें कि हम दोनों साथ चलते हैं क्योंकि रिलेशनशिप प्लस आई है लेकिन हमें यह नहीं पता चलता कि दोनों के रिलेशनशिप में ताकत कितनी है क्यों ये भी पॉजिटिव है बिल्कुल साथ ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है केस वन केस टू केस थ्री वट डू यू से विच वन इज मोर प्रेफरेबल आई से थर्ड वन द लास्ट वन पॉजिटिव है लेकिन ताकत इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग नहीं है दोनों एक्स ऊपर जा रहा है वाई भी सामने ऊपर जा रहा है बट सेम रफ्तार या सेम स्पीड से नहीं जा रहा है तो हमें दूसरे को संभालने का मौका मिलेगा इफ वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई पहले से ओके okay? तो हमें कोवरायस ये नहीं बताता कि रिलेशनशिप कैसी है टेड मीडियम को रिलेटेड और लाइक लेस कोरिलेटेड लाइक दट वे ओके बट जब आप अपने को वराय कोरिलेशन में कन्वर्ट करते हो तो वो मीनिंगफुल बनता है बिकॉज कोरिलेशन वेरीज फ्रॉम प्लस वन टू माइनस वन प्लस वन का मतलब हुआ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब इफ एक्स चेंजेस बाय वन वाई विल चेंज बाय वन ओनली इन द सेम डायरेक्शन If it is minus one, that means perfect correlation is negative. That means, agar x one se aage gaya, to y one se peeche jayega. I hope, guys, you have understood. Let us see quickly the theory part and the formulas also. Okay, computation of covariance and coefficient of correlation. Covariance is a product of absolute deviation. Look at that.

ये फॉर्मूला आप यूज करोगे अगर सम में डेटा उन्होंने प्रोबेबिलिटी वाला दिया है तो आर एक्स वाई और कोफिशेंट ऑफ को रिलेशन इज कॉव एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई इसमें हिस्टोरिकल या फ्यूचर की जरूरत नहीं है आई एम श्योर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन ओनली ओके okay. मैंने एक सम यहाँ पे लिया हुआ गाइस विच वी कैन सॉल्व क्विकली राधर आप ट्राई करो कि आप खुद से सॉल्व करो सम के अंदर में कोवरायंस और कोफिशंट ऑफ को रिलेशन निकालना है क्विकली मैं लेती हूँ बिकॉज आई वुड राधर वांट टू फोकस ऑन द टफर पार्ट ऑफ द टॉपिक ओके तो यहाँ पे सिक्योरिटी वन ये एग्जाम का सम है सिक्योरिटी का रिटर्न दिया हुआ है और सिक्योरिटी टू का भी रिटर्न दिया हुआ है आप मुझे बताओगे कि जो डेटा है यह हिस्टोरिकल है क्या फ्यूचर है मैं बताती हूँ आपको अगर ये हिस्टोरिकल है तो ईयर रहेगा ओके okay? अगर ये फ्यूचर होता तो प्रोबेबिलिटी रहता क्विक आइडेंटिफिकेशन ओके समय क्या निकालना है कोवरायंस एंड कोइफिशेंट ऑफ को रिलेशन अगर को और कोएफिशिएंट ऑफ को रिलेशन निकालना है लुक एट हियर, ओके सो कॉव एक्स वाई समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार

पोर्टफोलियो में ना एक दिक्कत आती है दिक्कत क्या आती है कि पता नहीं चलता कि सम चालू कैसे करें तो मैं तो क्या बोलती हूँ जो लिखा है निकालने को वो लिखो आप 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 जैसे ही आप लिखोगे आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा क्या निकालना है सबसे पहले आप नोटिस करो यहाँ पे आपको एक्स बार और वाई बार निकालना पड़ेगा निकालना पड़ेगा ना एक्स बार और वाई बार उसके बिना आप सम नहीं कर सकते तो सबसे पहले दोनों का आप टोटल करो टोटल करके एक्स बार और वाई बार निकालो समेशन ऑफ एक्स बाई एन एंड समेशन ऑफ वाई बाई एन करके उसके बाद आपको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई तो हिस्टोरिकल डेटा में डेविएशन कैसे निकालते हैं समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल बाय यानी आपको एक्स माइनस एक्स बार होल का कॉलम चाहिए लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते पहला कॉलम एक्स माइनस एक्स बार का उसके बाजू वाला कॉलम एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्र का क्यों यू वुड नीड एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम फॉर को वराय ऑल्सो कोवरास के लिए यू विल नीड ओके तो पहला कॉलम आप एक्स माइनस एक्स बार का लोगे फिर आप एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्र का लोगे फिर आप वाई माइनस वाई बार का लोगे और आप वाई माइनस वाई बार होल स्क्र का लोगे फॉर सिग्मा वाई और लास्ट कॉलम आप लोगे एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार लेट सी क्विकली लु गट दैट तो टोटल किया यहाँ पे तो टोटल आता है वन फोर्टी एट और ये टू वन जीरो न सी वन फोर्टी 148 14.8 एट परसेंट इज अ मीन एक्स बार एंड वाई बार इज एक्चुअली ट्वेंटी परसेंट फिर मैंने यहाँ पे कॉलम ले रखा है आपका एक्स माइनस एक्स बार का क्यों इसके लिए और जब आप एक्स माइनस एक्स बार करो ना फॉर एक्जाम्पल यून यू कैन स्टार्ट डूइंग टूगेदर ओनली अ फ्यू डेटा सेट्स एक्चुअली फोर्टीन पॉइंट एट है तो कैसे करोगे आप ट्वेल्व माइनस फोर्टीन पॉइंट एट आपका आता है माइनस टू पॉइंट एट इन टू इक्वल टू आप करोगे तो आपको सेवन पॉइंट एट फोर मिल जाएगा सेम वे यूल कैलकुलेट ऑल ऑफ देम एंड डू इट द टोटल सेम यू विल डू फॉर वाई माइनस वाई बार ट्वेंटी अगेन टोटल इज एटी फोर परसेंटेज जो दो कॉलम है आपके ये जो दोनों कॉलम है ये वाले ये दोनों कॉलम का आप मल्टीप्लीकेशन लोगे तो आपको ये कॉलम आएगा ये चाहिए आपको ये चाहिए आपको डेविएशन ऑफ एक्स के लिए ये चाहिए डेविएशन ऑफ वाई के लिए और ये कॉलम चाहिए आपको एट आया था माइनस एट तो माइनस एट को टेन से डिवाइड किया तो माइनस पॉइंट एट परसेंटेज स्क्न यू टेक द फॉर्मूला ऑफ आर एक्स वाई ज़ीरो पॉइंट जीरो सिक्स वन एक्चुअली जीरो माइनस आएगा ना यहाँ पे दिस विल माइनस ओनली बिकॉज यू गॉट दिस एज माइनस ना तो ये माइनस आएगा ओके okay? तो माइनस ये अगर ज़ीरो है और ये माइनस वन है और ये प्लस वन है आर एक्स वाई की बात कर रही हूँ मैं तो ज़ीरो पॉइंट जीरो सिक्स वन नेगेटिव डोंट यू थिंक कि ये डेटा कहीं ना कहीं इधर प्लॉट हो रहा जीरो के बाजू में बिल्कुल यहाँ पे प्लॉट हो रहा होगा कहीं पे तो भी यहाँ पे राइट right, ना मतलब जीरो आने का मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में हिस्टोरिकली कोई पैटर्न नहीं देखा गया कभी ये लोग साथ में बिहेव कर रहे थे कभी ये लोग साथ में नहीं भी बिहेव कर रहे थे तो दैट इज अ न्यूट्रल रिलेशनशिप नेगेटिव आया है ठीक बात है बट है जीरो के पास ही तो इट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल एंड एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन सम एक और डाला है मैंने यहाँ पे ओके तो सम पढ़ती हूं मैं the following table provides the probability distribution on the returns of two stocks x and y probability returns from x and y is given below okay now yahan pe probability de rakhi hai x ka return de rakha hai aur y ka return de rakha hai theek hai na ye x ka return hai aapka और ये y का return है. okay find out the expected return risk and coefficient of variation for each stock ye aap mujhe yaad dilao इसको अलग से डील करेंगे अपन फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स एंड वाई रिस्क ऑफ एक्स एंड वाई हाउ विल यू कैलकुलेट जब आप एक्स के कॉलम को प्रोबेबिलिटी के कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आप समेशन ऑफ पी मिलेगा उसका टोटल करोगे तो आपको एक्स बार मिलेगा सिमिलरली पी के कॉलम को वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पी मिलेगा आप उसका टोटल करोगे तो आपको वाई बार मिलेगा लुक एट हियर ओके सो यहाँ पे पी एक्स किया द टोटल इज 26.5 परसेंट सिमिलरली 20.8 परसेंट इज वाई बार ओके देन एक्स माइनस एक्स बार वहाँ भी ऊपर भी किया था हमने x माइनस एक्स बार देन पी एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेर याद करो ऊपर सिर्फ x माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर था क्योंकि वो हिस्टोरिकल डेटा था ये प्रोबेबिलिटी डेटा है तो हमें p से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ये काम आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ओके okay? सिमिलरली y माइनस वाई बार निकाला है और फिर v माइनस पी y बार होल स्क्वायर निकाला है ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y के लिए काम आएगा ओके देन पी एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार करोगे तो आपको को ऑफ x एंड y आएगा Guys, मैं और डिटेलिंग नहीं कर रही हूं लिख करके बिकॉज आई थिंक देर इज मच इंपॉर्टेंट पोर्शन लाइंग अहेड दीज आर बेसिक्स ओके ना एक्स बार निकाला ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव सब में बोला है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स एंड वाई दीज टू आर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स एंड वाई टोटल नहीं करना प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है देन समेशन ऑफ पी एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर विल गिव यू वरायंस रूट करोगे तो डेविएशन मिलेगा समेशन ऑफ पी वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर विल गिव यू वराय ऑफ वाई एंड रूट करोगे तो आपको डेविएशन मिलेगा ओके okay? कॉफ एक्स वाई के लिए आपको समेन ऑफ पी एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार करना पड़ेगा डिवाइड बाई एन मत करना वो टोटल एज इट इज कॉपी हो जाएगा कोफिशेंट ऑफ को रिलेशन के लिए कॉफ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई आपको मिलेगा माइनस पॉइंट नाइन एट गु नो वॉट अगर मैं एक लाइन बनाऊँ ना आर एक्स वाई की तो ये जीरो है ये आपका प्लस वन है और ये आपका माइनस वन है राइट right, ना आपको पता ही ऑलरेडी तो माइनस पॉइंट नाइन एट परफेक्ट तो नहीं हुआ बट परफेक्ट के बिल्कुल पास में है ये ऑलमोस्ट परफेक्टली नेगेटिव रिलेशनशिप बेस्ट पॉसिबल रिलेशनशिप अवेलेबल विथ रिस्पेक्ट टू द पोर्टफोलियो अगर आपको कोई दो स्टॉक ऐसे मिल जाए जिनका रिलेशन परफेक्टली निगेटिव है उससे ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता बिकॉज रिटर्न्स को हम पॉजिटिव रख सकते हैं और रिस्क को हम जीरो तक ला सकते हैं द पोर्टफोलियो कैन वर्चुअली बिहेव लाइक अ रिस्क फ्री अ मैं आपको दिखाऊंगी आगे ओके आगे बढ़ते हैं गैस मैंने आपको बोला था आप मुझे इसका याद दिलाना कोई फिशेंट ऑफ वेरिएशन के लिए ये क्या चीज है Uh, आपने ना सीपीटी में मैथ्स uh, आपका सब्जेक्ट था राइट right? आपने वहां पढ़ा होगा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि स्टैंडर्ड डेविएशन का खुद का कोई मीनिंग नहीं है दैट कैन बी ओनली इंटरप्रेटेड प्रॉपरली हेल्प ऑफ मीन ओनली ओके नाउ जब आप एस डी को मीन के साथ इंटरप्रेट करते हो तो उसको बोला जाता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन को ऑफ वेरिएशन इज द सेम थिंग फॉर्मूला इज एस डी बाय मीन एस डी मीन लोअर द बेटर फॉर एग्जाम्पल एक्स का निकाला तो एक्स का एस डी और रिस्क बाय रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो ओके तो आता है पॉइंट फोर सेवन आप पॉइंट फोर सेवन को कैसे इंटरप्रेट करोगे जब आपका रिटर्न 1 से चेंज करेगा जब आपका रिटर्न वन से चेंज करेगा तो आपका रिस्क भी पॉइंट टू फोर से चेंज करेगा लोअर द बेटर वॉट इज द मैक्सिमम कोट ऑफ वेरिएशन विच इज अफोर्डेबल वन जो आपने कमाया है एग्जैक्टली exactly आप पूरा उससे लूज कर सकते हो उससे ज्यादा लूज करोगे तो आपके घर से चीज जाएगी आपके घर के एसेट्स बिकेंगे वो अलाउड नहीं है ओके सो वेरिएशन इज एस डी बाय सिग्मा एक्स बाय एक्स बार और सिग्मा वाई बाय वाई बार ओके okay? ये निकाला हुआ यहाँ पे आप इसको अलग से याद करो बच्चे को के साथ इसको कन्फ्यूज कर जाते हैं कन्फ्यूज नहीं करना है आपको मैं आगे बढ़ रही हूं एंड द मेन टॉपिक विच वी नीड टू स्टार्ट नाउ इज कंप्यूटेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो ओके सो लेट्स क्विकली स्टार्ट इट्स नॉट डिफिकल्ट मच बट स्टिली टोल्ड यू यू नो काइंड ऑफ टेन फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स बैक दैट रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो विल ऑलवेज बी अ वेटेड एवरेज विल ऑलवेज बी अटेड एवरेज आपको मैं लिख के भी दिखाती हूँ शायद चार ज्यादा अच्छा रिलेट होगा रिस्क and return of a portfolio okay now return वहां लिखा हुआ भी है सिर्फ आपको रिवाइज कराने के लिए आई एम राइटिंग लाइक दिस रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो इज ऑलवेज

ये क्या है इस पता है आपको जो आपने अभी एक्स बार और वाई बार निकाला बिल्कुल सेम चीज है लेकिन डिस्कशन में क्यों आ रहा है कि सम में अगर आपको आरपी बार निकालना है तो या तो आपको आर ए बार और आर बी बार निकाल के वो लोग देंगे ऑफ कोर्स प्रोसेस वही होगा जो आपने यूज किया है या फिर आपको एक्स एंड वाई या फिर ए और बी का आपको डिस्ट्रीब्यूशन देंगे अब डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा या तो हिस्टोरिकल या फिर, फिर फ्यूचर आपको डिस्ट्रीब्यूशन देंगे और आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके आपको रिस्क सॉरी रिटर्न्स ऑफ कोर्स रिस्क भी निकालना पड़ेगा रिटर्न्स निकालना पड़ेगा ए का और बी का आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कैसे निकालना है अकॉर्डिंगली आप फॉलो करोगे उसको आप वेट्स में डालोगे तो आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न मिल जाएगा अगर 10 लाख रुपए हैं 70 30 30 70 50 50 फोर्टी सिक्सटी वो कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकती है वो सब में आपको दिया हुआ रहेगा हमेशा ओके यू डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल मैं आगे बढ़ रही हूं द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड हियर इज दैट रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो ओके रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो तो एज आई टोल्ड यू दैट एज पर हैरी मार्कोविट्स द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज डिपेंडेंट ऑन ओनली टू फैक्टर्स वन वेट नंबर टू रिटर्न

सिग्मा पी डब्ल्यू स्क्ोयर ए सिग्मा स्क्वायर ए डब्ल्यू स्क्र बी सिग्मा स्क्र बी प्लस टू इंटू डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू कॉव ए ओके ये एक हुआ आई एम श्योर बच्चे घबरा जाते हैं फार्मूला देख करके मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा आई विल ट्राई टू हेल्प यू की हाउ इज इट डिराइव्ड एक्चुअली ओके दैन और सिग्मा पी विल बी डब्ल्यू स्क्ोयर ए सिग्मा स्क्ोयर ए प्लस डब्ल्यू स्क्ोयर बी सिग्मा स्क्ोयर बी प्लस टू इंटू डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी इंटू आर ए बी इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी आप बोलोगे मैम आपने दो क्यों लिखा मैंने दो इसलिए लिखा है क्योंकि कौन सा वाला दिया हुआ रहेगा वहां पे ये मुझे पता नहीं है मतलब आपको कॉफ दिया हुआ है तो आप कॉफ यूज करो आपको आर दिया हुआ है तो आप आर यूज करोगे दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा आपको मैं एक चीज दिखाती हूं आर ए बी इज इक्वल टू कॉफ ए बी डिवाइड बाय सिग्मा ए इ सिग्मा बी आप खुद से ही देखो कि ये क्या चीज है ये पूरी जो चीज आई है यहां पे, ये पूरी जो चीज आई है ये कॉफ़ के लिए सब्सटीट्यूट है आर ए बी इंटू सिगमा ए इंटू सिग्मा बी ये सब्सटीट्यूट किया हुआ है यहां पे। तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करेगा कि डेटा उन्होंने किस तरह का आपको ऑलरेडी दिया हुआ है नाउ अगर आपको यू नो काइंड ऑफ जानना है कि फॉर्मूला कैसे बना है तो आपको क्विक में दिखाती हूँ आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा ये नोट्स का जो मैंने लिखे हैं ये तो ऑलरेडी नोट्स में है इसलिए मैं आपको लिखने का टाइम नहीं दे रही हूं ओके ये हैरी मार्कोविट्स ने एक मेट्रिक्स के ऊपर बनाया है मेट्रिस अपन इलेवेंथ और ट्वेल्थ के मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं अगर आपको वो नहीं भी आता है तो भी यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड ओके नाउ लुक एट दैट एक मेट्रिक्स बना रही हूं दो स्टॉक का ओके तो यहां पे ये ऐसे आएगा यहां पे ऐसे आएगा लुकेट दैट सो ए बी इमेटिक्स है दो सिक्योरिटीज का तो so, यहां से गाइस ये और ये लेना है तो डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू ए आर ए ए इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा ए ये इसका हुआ नाउ इसके बेसिस पे आप इसका भी समझ जाओगे डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी आर ए बी देन सिग्मा ए इंटू सिगमा बी ओके देन डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए आर बी ए सिगमा बी इंटू सिग्मा ए राइट सिमिलरली डब्ल्यू बी आप साथ में बोलो प्लीज डब्ल्यू बी आर बी बी इंटू सिगमा बी इन टू सिग्मा बी ओके ना ये मेट्रिक्स है आपका तो ये जो चीज है ना दो आपकी ये जो दो चीज आई है कौन सी ये वाली ये वाला ये वाला और ये वाला ये वन होगा आप बोलोगे मैम कैसे वन होगा मैं आपको दिखाती हूँ, आर ए ए अगर मैं लेती हूँ तो क्या आएगा फॉर्मूला कॉव ए ए डिवाइड बाय सिग्मा ए इमा एव ए ए क्या होगा समेन ऑफ ए माइनस ए बार ए माइनस ए बार क्यों बी तो है नहीं साथ में डिवाइड बाय एन ओके तो नाउ कैन आई नॉट राइट ये कॉफ ए ए कोई टू वराय ऑफ ए डिवाइड बाई सिमा एन टू सिग्मा ए मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ये वन आएगा आपका ये वन तो क्या होगा ये वाला पार्ट विल बी वन एंड दिस विल आल्सो बी वन दिस विल आल्सो बी वन योर फॉर्मूला लुक एट द फॉर्मूला टुगेदर, नो ये आप देखो यहां पर आप, आपने जो फॉर्मूला लिखा है डब्ल्यू स्क्र ए सिग्मा स्क्वायर ए ये वाले बात कर रही हूं मैं ये वाले की बात कर रही हूं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट आपका ये डब्ल्यू स्क्वेर ए सिग्मा स्क्वायर ए डब्ल्यू स्क्वायर बी सिग्मा स्क्र बी द सेकेंड टर्म एंड टू टाइम्स डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बी टू टाइम्स क्यू आप डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी या डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू ए सेम आंसर नाउ आर ए बी या आर बी ए आंसर सेम आएगा कैसे ए माइनस ए बार इंटू बी माइनस बी बार और बी माइनस बी बार इंटू ए माइनस ए बार इज गोइंग टू गिव यू द सेम आंसर नो चेंज एट ऑल तो टू टाइम्स डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी आर ए बी सिग्मा ए सिग्मा बी मतलब ए का बी के साथ रिलेशन और बी का ए के साथ रिलेशन सेम है लेकिन दो कहलाएगा इसे टू टाइम्स तो ये तीन टर्म आपके फॉर्मूला में इंक्लूड करे गए गाइज यहाँ पे लुक एट दैट ये जो फॉर्मूला आपका बना है तो आपको जो डेटा आता है कई बार मैट्रिक्स मेट्रिसिक्स में आता है और बच्चे मैट्रिक्स समझ नहीं पाते वो मैट्रिक्स में इसलिए आता है क्योंकि इस फॉर्मूला की डिराइवेशन ही मैट्रिक्स से हुई है ओके सो आई होप बाय नाउ यू अंडरस्टैंड। खुद का खुद के साथ रिलेशन वन ओके खुद का दूसरे के साथ रिलेशन अलग होगा ओके okay? खुद का खुद के साथ वरायंस खुद का दूसरे के साथ को Just remember, and I'm sure you will be able to understand. So these are the formulas for R P bar and sigma P. I've shown you in the where the formula Now, quickly, let's go to the notes. I am saying computation of risk and return of a portfolio would always be a weighted average. वेयर द वेट्स आर प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द पर्टिकुलर कैटेगरी ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा आरपी बार इज एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो आर बी बार और आर ए बार रिटर्न ऑफ स्टॉक ए रिटर्न ऑफ स्टॉक बी वेट ऑफ स्टॉक ए एंड वेट ऑफ स्टॉक बी ओके नाउ रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो लुक एट हियर ये लिखा हुआ है ये भी मैंने आपको लिख के दिखाया राधा डिराइव करके भी दिखाया और ये डिपेंड कॉफ दिया है कि आर दिया है अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला को फॉलो करो आंसर तो दोनों में सेम ही आना है अलग नहीं आना ओके लेट्स डू वन सम क्विकली ऑन द बेसिस ऑफ वॉट वी हैव लर्न टिल नाउ सम आपका आ रहा है मिस्टर श्याम बच्चन हैज कंस्ट्रक्टेड टू पोर्टफोलियोज द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन बिलो ओके okay, दो स्टॉक दे रखे हैं आईसीआईसीआई एंड इन्फोसिस इतने बड़े नाम लेके अपन नहीं चल सकते तो अपने क्या करेंगे ए एंड बी देन देन ए बी एंड सी तीन स्टॉक हो गए आपके दोनों के आपको देखो वेट्स दिया हुआ है डेसिमल्स में रिटर्न दिया हुआ है निकाल के निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है और को रिलेशन लुक एट दिस वर्ड ना मेट्रिक्स वर्ड दिया हुआ है तो ए का ए के साथ ये ए हो गया और ये बी हो गया मेट्रिक्स हो गया ना आपका एक ये और एक ये और एक ये और एक ये यहां में। में मेट्रिक्स हो गया तो एक खुद का खुद के साथ रिलेशन हमेशा एक बी के साथ पॉइंट सेवन फाइव अगर एक का बी के साथ पॉइंट सेवन फाइव है तो बी का ए के साथ भी पॉइंट सेवन फाइव ही होगा ओब्वियसली का बी के साथ वापस से वन सिमिलरली हैव गिवन डेटा फॉर पोर्टफोलियो टू आल्सो सम में मैंने बोला है कंप्यूट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो वन एंड टू गैस मैंने आपको फार्मूला तो बताया बट फार्मूला वो जो एप्लीकेशन सीखनी चाहिए थी वो मैं नहीं बता पाई आपको एंड दैट इज वाई आई थॉट दैट लेट्स डिस्कस वन सम वेयर एवरीथिंग इज लाइक टेकन केयर ऑफ तो लेट्स क्विकली गो सेकेंड पार्ट में वापस आके पढ़ती हूँ तो आरपी बार आरपी वन बार दो पोर्टफोलियो है ना आपके तो आरपी वन बार में आएगा दो स्टॉक है तो डब्ल्यू ए आर ए बार एंड डब्ल्यू बी आरबी बार तो पॉइंट थ्री इंटू एटीन आप देखो पूरा लिया है कहीं पर डेसिमल नहीं लिया मैंने वेट में डेसिमल आया है वेट में डेसिमल आ रहा है ना कैन यू सी दैट वेट में डेसिमल आया सिर्फ वेट में मेरे पूरे पढ़ाने में सिर्फ वेट्स में ही मैं डेसिमल डालूंगी बाकी पूरा का पूरा डेटा नॉर्मल नंबर्स की जैसे ट्रीट किया जाएगा ओके तो पॉइंट थ्री इंटू एटीन लुक एट योर बुक और लुक यू कैन लुक ऑन द ऑल्सो पॉइंट सेवन इंटू ट्वेंटी थ्री आप करोगे वेटेड एवरेज तो यू गेट ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव इसका मतलब अगर दस लाख रुपए हैं, तो तीन लाख रुपए डाले हैं हमने आईसीआईसीआई में और सात लाख रुपए हमने डाले हैं इन्फोसिस में अकॉर्डिंगली तो हमारा रिटर्न आ रहा है ट्वेंटी पी वन वी आर फॉलोइंग डब्ल्यू स्कोर एक्र ए डब्ल्यू प्लस टू इंटू डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी आर ए बी सिग्मा ए सिग्मा बी डेटा पॉइंट थ्री होल स्क्र टेन होल स्क्वायर प्लस पॉइंट सेवन होल स्क्वायर मैंने कुछ भी नहीं किया एज इट इज पूरे डेटा को सब्सटीट्यूट किया तो ये आंसर आता है आपको Similarly, if you do for portfolio number two, तो तीन stock हैं, तो obviously weights भी तीन जगह बटेंगे But the total of the weights will always remain as one। One से ज्यादा weight होना possible नहीं है Total की बात कर रही हूं okay? सेम तरीके से ये निकाला एक चीज आप ध्यान रखना कि मार्कोविट्स की थियोरी में ये जो रिलेशनशिप है ये पेयर में चलेगा मतलब अगर आपके पास में दो स्टॉक हैं, तो कितना रिलेशनशिप आएगा ए का बी के साथ ओके अगर तीन स्टॉक है तो कितने रिलेशनशिप आएंगे आपको पता है ए का बी के साथ ए का सी के साथ बी का सी के साथ सी ए का बी के साथ बी का सी के साथ दो और बी का सी के साथ ये हो गए तीन ये मार्कोविट्स थ्योरी की सबसे बड़ी लिमिटेशन बनेगी आगे जाके जिसके ऊपर इंप्रोवाइज करेगा विलियम शार्प द नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द स्टॉक्स वुड बी एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू हाउ डू राइट दैट एन एन माइनस वन बाय टू मतलब आप करके देखो ना तीन स्टॉक का थ्री इंटू टू एन इज थ्री एन माइनस वन विल बी टू तो थ्री इंटू टू बिकम सिक्स सिक्स डिवाइड बाई टू विल गिव यू थ्री आप सोचो किसी भी पोर्टफोलियो में अगर सौ स्टॉक अगर अपन लेते हैं तो कितने नंबर ऑफ कोवरायंसेस हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे और हमको ये सिग्मा पी के फॉर्मूला में डालना पड़ेगा इट इज ह्यूमेनली नॉट पॉसिबल सपोज कैलकुलेट फॉर हंड्रेड हंड्रेड इंटू नाइनटी नाइन डिवाइड बाई टू इज गिविंग मी फोर नाइन फाइव जीरो चार हजार नौ सौ पचास आएंगे इज इट पॉसिबल गाइज टू कैलकुलेट बट हैरी मार्कोविट्स अपने वक्त पे बोला था कि मेरी थ्योरी तभी प्रूफ होगी जब मार्केट में कोई बहुत फास्ट कंप्यूटिंग मशीन का इनोवेशन होगा मैनुअली नहीं कर सकते आपको एक और बात बताती हूँ विलियम शार्प यूज टू बी अ स्टूडेंट ऑफ हैरी मार्कोविट्स ओके एंड ही एक्चुअली चेंज द होल थियरी एंड ही ऑल्सो वन द नबेल प्राइज फॉर सी ए पी एम मॉडल इन नाइनटीन एटीज जो आप बार बार सी ए पी एम मॉडल पढ़ते हो ये विलियम शार्प ने रिसीव किया यू नो काइंड ऑफ या बनाया उसने लेकिन अल्टीमेटली थियरी तो बेस्ड थियरी तो मार्कोविट्स की थी आगे जाके और भी बहुत बातें करेंगे लेट्स गो अहैड क्विकली ओके सो यहाँ पे आया डब्ल्यू स्क्र ए सिग्मा स्क्र ए डब्ल्यू स्क्र बी सिग्मा स्क्वायर बी डब्ल्यू स्क्वायर सी सिग्मा स्क्यर सी ये तीन आ गए आपके देन डब्ल्यू टू इन टू तीन रिलेशनशिप आएंगे तो आप देखो तीन बार ही आया है एक दो एंड तीन तीन जगह पे आया देखो ना ये प्लस का साइन जा रहा है ना यहाँ पे ये यह प्लस है फिर यहां पे प्लस है और यहां पे प्लस है Can you see that? So 2 into W A W C R W B rather 2 into W A W B R A B sigma A into sigma B. Again 2 into W A W C R A C sigma A sigma C 2 into W B W C R B C sigma B sigma C. एक बात सिर्फ याद रखना कि बच्चे कैसे करते हैं ए का बी के साथ बी का सी के साथ फिर आगे भूल जाते हैं तो आप पहले एक को एग्जॉस्ट किया करो यानी ए का बी के साथ ए का सी के साथ ए एलिमिनेट हो गया फिर बी का सी के साथ तो अगर चार सपोज आपके पास में स्टॉक है तो कितने रिलेशन बनेंगे ए का बी के साथ ए का सी के साथ ए का डी के साथ तीन बना ए को हटा दो बी का सी के साथ बी का डी के साथ बी को हटा दो सी का डी के साथ इस तरह से बनते हैं गाइज सो प्लीज कीप लर्निंग एनलेट्स को हैड सिमिलरली डेटा बिठाया आंसर आता है 11.9. मैं तो वर्बली कर रही हूँ, क्लास में रेगुलर में मैं कभी भी वर्बली नहीं करती एक चीज भी नहीं अगर छींक भी लेनी है तो दाई लेनी है कि बाई लेनी है ये भी मैं बच्चों को क्लास में नोट्स के तौर पे लिखाती हूँ लेकिन जब मुझे पूरे के पूरे मिला के पाँच छः घंटे पोर्टफोलियो के लिए मिले हैं तो मैं ओब्वियसली सारी चीजें नहीं लिख पाऊंगी एंड आई होप यू आर मैथ्योर एनफ टू अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंड कम्प्लीटली ओके okay? आगे बढ़ रहे हैं अपन तो दिस वॉज वेरी वेरी नॉर्मल कैलकुलेशन ऑफ आरपी वन बार आरपी टू बार सिग्मा पी वन एंड सिग्मा पी टू आगे जो सेकेंड पार्ट होगा वो मैं जरूर आपके लिए लिख के करूंगी ओके okay? सब में बी पार्ट में बोला है तो गैस आप आरपी वन बार को देखोगे ना तो आरपी वन बार आया है ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव प्लीज नोटिस ना आरपी वन बार आया है ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव ओके और आरपी टू बार आया है 19.45 अगर आपको लॉ ऑफ Averages समझता है तो क्या यह समझेगा कि मैं ये बोलना चाहती हूं कि समझो दो पोर्टफोलियो है P1 और P2 और इन दोनों को मिला करके मैं एक तीसरा पोर्टफोलियो बनाना चाहती हूं P3 पॉसिबल है तो P1 जा रहा है और P2 जा रहा है P1 में A और B है और P2 में A B और C है राइट right है तो अगर मैं दोनों को मिला के कोई पोर्टफोलियो बनाती हूं तो मेरा जो हाईएस्ट रिटर्न होगा वो 21.5 होगा और जो लोएस्ट रिटर्न होगा वो 19.45 होगा मतलब यू कैन क्रिएट यू कैन क्रिएट एज मेनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन 19.45 टू 21.5 ये आपको समझ में आया मैंने क्या बोला एक चीज और बोलती हूं कि अगर आपके पास में ये देखो ये 21.5 और 19.45 तो चेंज होना नहीं है राइट अगर आप अपना पूरा पैसा P1 में डालोगे तो 21.5 कमाओगे अगर आप अपना पूरा पैसा P2 में डालोगे तो आप 19.45 कमाओगे लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालोगे तो आपको नहीं लगता कि आपका जो आंसर होगा वो ट्वेंटी और नाइनटीन के बीच में होगा तो मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि इफ यू हैव टू अट्स How many portfolios can you create? If you have two assets, then or maybe two stocks, how many portfolios can you create? मैं बोलती हूं इन कैसे अगर सपोज करो कि रिलायंस 10 का रिटर्न देता है और एस 20 का रिटर्न देता है तो रिलायंस 10 का रिटर्न देता है और एस 20 का रिटर्न देता है क्या उसमें आपकी कोई से है आप कुछ कर सकते हो आप रिलायंस का बिजनेस मॉडल चेंज कर सकते हो आप एसबीआई को चेंज कर सकते हो नहीं आप क्या चेंज कर सकते हो आप सिर्फ चेंज कर सकते हो वेट्स अगर आप पूरा पैसा रिलायंस में डालोगे तो 10 कमाओगे पूरा पैसा एसबीआई में डालोगे तो आप 20 कमाओगे लेकिन 10 और 20 के बीच में इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बनेंगे कैसे 10, 90, 20, 80, 80, 20, 50, 50 फ्रैक्शंस में चले जाओ That means a very important portion evolves. And how do we say that? If we have two stocks, then we can create infinite portfolios yielding infinite number of RP bars and infinite number of sigma Ps. RA bar, RB bar, sigma A, sigma B, and RAB will not change. What will change is only the weights. नथिंग एल्स इज गोइंग टू चेंज गाइज स्टॉक जब रिटर्न 10 का दे रहा है 20 का दे रहा है तो आर ए बार आर बी बार आप चेंज नहीं कर सकते अगर 10 और 12 को आप चेंज नहीं कर सकते 10 और 20 को आप चेंज नहीं कर सकते तो आप सिग्मा ए सिग्मा बी भी चेंज नहीं कर सकते और आप अगर आप 10 और 20 को चेंज नहीं कर सकते तो आप आर ए बी भी चेंज नहीं कर सकते आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है जो आप बदल सकते हो जो आप कंट्रोल कर सकते हो और वो है वेट्स फंड मैनेजर्स को करोड़ों की सैलरी मिलती है ओनली फॉर मैनिपुलेशन ऑफ वेट्स नथिंग एल्स ऑन द सेम लॉजिक अगर आपके पास एक ऐसे 21.5 का रिटर्न दे रहा है और दूसरा 19.45 का रिटर्न दे रहा है तो ऑब्वियसली यू कैन क्रिएट इन फाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ पी थ्री ओके नाइनटीन पॉइंट फोर फाइव विल नॉट चेंज ट्वेंटी चेंज इज चेंज करोगे आरपी थ्री बार का आंसर चेंज होता चला जाएगा ओके okay? सब में क्या बोला इन्होंने? कंस्ट्रक्ट पोर्टफोलियो आउट ऑफ पोर्टफोलियो वन एंड टू इन ऑर्डर टू जनरेट रिटर्न ऑफ ट्वेंटी पॉइंट फाइव जीरो परसेंट मतलब आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जहां पे आप पी वन और पी टू को यूज करो जिसका आरपी थ्री बार होना चाहिए ट्वेंटी पॉइंट फाइव आपको पता है क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है हम कितना पैसा P1 में डालें कितना पैसा P2 में डालें सो so दैट कि दाइनल आर पी बार आए ट्वेंटी पॉइंट फाइव दैट ना दैट वी वॉन्ट रिटर्न ऑफ ट्वेंटी पॉइंट फाइव आप देखो मैंने फॉर्मूला यहां पे सेट कर दिया ट्वेंटी पॉइंट फाइव को आंसर में रखा गया है अब कितना पैसा डालें पी वन में आप डब्ल्यू पी वन डालो और पी टू में आप वन माइनस WP1 डालो क्योंकि ये ये रह गया, ये भी दस लाख रुपए हैं तो फाइव लाख ट्वेंटी थाउजेंड अगर आप इन्वेस्ट करते हो P1 में एंड फोर लाख एटी थाउजेंड आप इन्वेस्ट करते हो P2 में देन यू आर गोइंग टू अर्न रिटर्न ऑफ 20.50 पॉइंट फाइव जीरो परसेंटेज, ओके नाउ मैंने एक जो सम और आगे बनाया वेरी मतलब कॉम्प्लीकेटेड uh, है बट काफी इंटरेस्टिंग है so, में मैंने लिखा है फाइंड आउट द एस डी ऑफ सच अ पोर्टफोलियो किसका? पी थ्री का अब पी थ्री का अगर एस डी निकालना है तो मैं आपको एक चीज दिखा रही थी किस टू कैटिगर पी थ्री का ओके सो क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट है ये इन ऑर्डर टू

एंड डब्ल्यू पी टू है आपके पास अब भी निकाला हमने क्या बोला उसने एक ऐसा पोर्टफोलियो का वेट निकालो जिसका रिटर्न 20.5 वो हमने निकाल दिया हमने बोला अगर आप 52 और 48 का कॉम्बिनेशन लोगे तो आपको ऐसा आंसर मिलेगा ओके यानी वेट्स तो है हमारे पास में दैट मीन्स वी हैव द वेट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है दूसरा बी सिग्मा पी वन एंड सिग्मा पी टू ये भी है आपके पास में आपने पार्ट वन में ये कैलकुलेट किया है और क्या चाहिए आर पी वन पी टू या फिर कॉव पी वन एंड पी टू ये है आपके पास नहीं है ना तो ये है और ना हम निकाल सकते हैं क्योंकि डेटा ही नहीं है हमारे पास में अब हम क्या करें लेकिन एक बात आप सोचना ये अगर नहीं है तो यू कैन नॉट कैलकुलेट सिग्मा पी थ्री ना बिकॉज ये तीन तो लगेगा ही आपको फॉर्मूला में तो क्या करें फिर आप बताओ आप भी सोचो क्या करें तो इन दैट सिनेरियो मैं क्या बोलती हूं आपको कि अपन एक काम करते हैं ओके okay, आपको एक चीज दिखाती हूं मैं जस्ट लुक एट दैट कि ये पिछड़ी है राइट ये पिछड़ी है आपका और इसके अंदर दो जाएंगे पी वन और पी टू ये जाएगा 52 और ये जाएगा 48% ये जाएंगे राइट अभी मेरे को थ्री का सिग्मा निकालना है वेट्स है सिग्मा भी है बट रिलेशनशिप नहीं है तो मैं क्या करूँ डू यू थिंक अपन अपन नहीं निकाल सकते अपन निकाल सकते हैं अपने को मेथड को चेंज करना पड़ेगा कैसे वो देखो अब पी वन के अंदर दो है ए और बी एक है थर्टी परसेंट और एक है सेवेंटी परसेंट इसके अंदर तीन है क्या क्या है ए बी एंड सी तो ये है थर्टी परसेंट ये है 40% परसेंट और ये है 30% परसेंट अगेन तो मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूं कि अल्टीमेटली पीथरी के अंदर ए बी और सी तो जा रहा है तो क्यों नहीं अपने काम करते हैं दैट पीथरी के अंदर में पीथरी के अंदर में A का वेट देखें दो जगह से जा रहा है तो P1 से जा रहा है कितना 52% टू परसेंट इंटू जा रहा है P1 से और टू से जा रहा है फोर्टी एट इंटू थर्टी परसेंट दैट मीन वॉट डिड आई डू कि दोनों जगह से ए कितना जा रहा है वो निकाल दिया तो वेट ऑफ स्टॉक ए इन पी थ्री विल बी फिफ्टी टू परसेंट इंटू थर्टी परसेंट प्लस फोर्टी एट परसेंट इंटू थर्टी परसेंट ओब्वियसली आंसर हैज टू बी थर्टी परसेंट वी विल कंप्यूट द प्रोपोर्शनेट वेट ऑफ स्टॉक ए बी एंड सी इन पी थ्री कैलकुलेट सिग्मा पी थ्री पूरे पी थ्री को आप पी वन और पी टू की जगह पे ए बी और सी में कन्वर्ट कर दो आपको सिर्फ निकालना पड़ेगा वेट्स नाउ लुकेट दैट मैंने वेट्स निकाल के आपको दिखाया यहां पे जस्ट सी दैट देखो मैंने डायग्राम भी बनाया आपके लिए नाउ हियर कंप्यूटिशन ऑफ वेट्स ऑफ सिक्योरिटी ए बी एंड सी इन पी थ्री ये थर्टी परसेंट ये फिफ्टी फाइव बिकॉज बी बहुत ज्यादा जा रहा है 52 टू 70 परसेंट एंड 48 एट परसेंट इंटू फोर्टी परसेंट गिव यू 55.6 परसेंट ओके नेक्स्ट वन डब्ल्यू सी जीरो आया बिकॉज पोर्टफोलियो वन में सी नहीं है ओके ये आया 14.4, बिलीव मी गाइस, आप 30, 55.6 और 14.4 पॉइंट फोर का अगर आप टोटल करोगे तो आपको वन आएगा अब आप क्या करो सिग्मा P3 में आप P1 और P2 का डेटा मत यूज करो आप यूज करो A, B और C का A का B का C का वेट 30, 55.6, 14.4, ओके okay? सिग्मा A, सिग्मा B, सिग्मा C, 10, 16 एंड 12। वी कैन यूज देन रिलेशनशिप आर ए बी आर ए सी आर बी सी दिया वह है लगाओ आंसर निकलेगा ओके okay? लगाया हुआ है और आंसर भी निकाला हुआ है गो एंड चेकआउट लुक एट दैट वेट 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 टेन सिक्सटीन ट्वेल्व ओके कैन यू सी दिस पार्ट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट सिग्मा पी थ्री का फॉर्मूला सिग्मा पी टू से बिल्कुल अलग नहीं है एक चीज बदल गई वो है वेट्स चेक इट आउट के एंड वी गेट ट्वेल्व पॉइंट सिक्स नाइन परसेंट आई होप गो समझा इंपॉर्टेंट सम है आप प्लीज ध्यान से पढ़ो डाउट्स होंगे मेल करो मैंने यहां भी लिखा है वेट्स P1, P2, रिस्क ऑफ पी वन पी टू अवेलेबल रिलेशनशिप और कॉब नॉट अवेलेबल द सम डज नॉट प्रोवाइड डेटा लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजल्ट और पी वन एंड पी टू हेन्स वी कैनोट कम्प्यूट द सेम मतलब P1 और पीटू के बीच में रिलेशनशिप कंप्यूट करने का डेटा हमारे पास में नहीं है ओके सो आप आप एक पॉज लो और रिवाइज करो जितना हुआ है उसके बाद वी कैन गो बट मैं आगे बढ़ रही हूं आपको पॉज करना पड़ेगा ओके okay? एक चीज जो मैंने डिस्कस uh, नहीं करी अब तक जो मुझे करना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये वो है परफेक्टली को रिलेटेड स्टॉक्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट परफेक्टली को रिलेटेड स्टॉक्स जैसे आपको एक चीज दिखाना चाहती हूं जैसे आप वो चीज देखो फिर आप बात करेंगे अपन हा मतलब दो ऐसे स्टॉक जिनके बीच में रिलेशनशिप आर इज इक्वल टू प्लस वन की है तो क्या होगा वो आप देखो सिग्मा पी इज डब्ल्यू स्क्वायर ए सिग्मा स्क्वायर ए डब्ल्यू स्क्र बी सिग्मा स्क्यर बी प्लस टू इंटू डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू आर ए बी इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी अपने को सबको पता है राइट right? तो अगर आपके पास में स्टॉक्स है विथ आर इक्वल टू प्लस वन तो क्या खराबी है उसमें वो देखो आप डब्ल्यू स्क्वेयर ए सिग्मा स्क्वेयर ए प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर बी सिग्मा स्क्वायर बी प्लस टू इंटू डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू वन इन सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी वन का मतलब प्लस वन यू नो वॉट विल हैपन दिस फॉर्मूला बिकम्स ए प्लस बी का होल स्क्वेयर इक्वल टू डब्ल्यू ए सिग्मा ए प्लस डब्ल्यू बी सिग्मा बी होल स्क्वेयर एंड रूट ओके सो सिग्मा पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए सिग्मा ए डब्ल्यू बी सिग्मा बी वेटेड एवरेज हो गया ये इससे बुरी और कोई बात नहीं हो सकती बिकॉज जब आपने पोर्टफोलियो बनाया तो आपके दिमाग में ये थी कि अगर ए का रिस्क दो है और बी का रिस्क भी अगर दो है तो चार नहीं लेना आपको चार क्यों लेना है आपने पोर्टफोलियो बना के भी अपने रिस्क को बिल्कुल भी कम नहीं किया यू डिड नॉट रेड्यूस रिस्क एट ऑल इफ यू आर बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो द रिस्क शुड है चार नहीं चाहिए चार बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि आप सिर्फ इतना सोचो एक चीज में दिखाना चाह रही थी आई शो यू समिंग हियर नाउ हियर मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे ये जो चीज है ना ये अगर वन को छोड़ के कुछ भी और होगा वन से कम ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा आपका एंड यू नो वॉट आपका ये आंसर कम आएगा दूसरी बात अगर ये नेगेटिव हुआ आर ए बी यू नो देन वॉट विल हैपन ये जो टोटल है दिस दिस विल बी बाय माइनस साइन बिलीव मी ओके सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया वो एंड द वेटेड एवरेज फार्मूला यू आर गेटिंग दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो मतलब आपने पोर्टफोलियो बनाया जितना रिस्क ए का था उतना ले लिया जितना रिस्क बी का था उतना भी ले लिया कॉम्बिनेशन के हेल्प से कोई भी सिनर्जी आपको बेनिफिट नहीं मिला सो इफ आर इक्वल टू प्लस वन देन द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो विल बिकम अ वेटेड एवरेज नो बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एट ऑल एंड इफ आर इक्वल टू प्लस वन then both risk and return of the portfolio will be a weighted average. rp bar is any which ways weighted average. rp bar weighted average hi hota hai वैसे भी। लेकिन अगर R equal to plus one रहा, तो आपका risk भी weighted average हो जाएगा। Okay? तो exam में एक sum आया था। आपको दिखाती हूँ मैं वो sum। उसमें उन्होंने क्या पूछा था? वो देखना पड़ेगा आपको। Just look at that. मैंने लिखा है यहां पे थ्यरी इफ टू स्टॉक्स आर परफेक्टली पॉजिटिवली रिलेटेड विद ईच अदर और ए एंड बी आर टू स्टॉक्स एंड एंडिशिय रिलेशन इज प्लस देन रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो वुड बी अ वेटेड एवरेज सिग्मा पी इक्वल टू डब्ल्यू ए सिग्मा ए डब्ल्यू बी सिग्मा बी रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज अ वेटेड एवरेज एंड वेट्स आर प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स एक सम आया था एग्जाम में गाइज उन्होंने क्या बोला कि आपको दो स्टॉक दिए पी और क्यू और दोनों का रिटर्न और रिस्क दिया मैंने आपको दो मिनट पहले बोला कि इफ यू हैव टू स्टॉक्स यू कैन क्रिएट इन फाइनाइट कॉम्बिनेशनडिंग इन फाइनाइट नंबर ऑफ आर पी बार्स एंड सिग्मा पीस फिफ्टीन और टेन ये और ये ये और ये नहीं बदलेंगे आपके वेट्स सिर्फ आप बदल के अलग अलग आंसर निकाल सकते हो समय बोला है रिटर्न ऑफ द टू स्टॉक एग्जिबिट परफेक्ट कोर रिलेशन परफेक्ट कोर रिलेशन का मतलब हुआ टू प्लस वन और समय क्या बोला है आप इन कॉम्बिनेशन का रिस्क ऑन रिटर्न निकालो तो सेवेंटी परसेंट ऑफ पी थर्टी परसेंट ऑफ क्यू तो आपने फॉर्मूला यहां पे वेटेड एवरेज का लिया क्यू एज वी नो जैसे मैंने आपको दिखाया दो मिनट पहले इफ द टू स्टॉक्स आर परफेक्टली को रिलेटेड आपको पूरा लंबा फॉर्मूला लेने की जरूरत नहीं है शॉर्ट वाला लो आप और वही टेस्ट कर रहे हैं अगर आप बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओगे तो न, आंसर सेम आना थोड़ी अलग आएगा लेकिन आपके नंबर कटेंगे बिकॉज जो वो चाह रहा था आपसे आप लिखो वो आपने नहीं लिखा आपको ये लिखना था ये तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना करके आपने आरपी बार सिग्मा पी देन फिफ्टी फिफ्टी का आरपी बार सिग्मा पी आरपी बार सिग्मा पी, आर पी बार सिग्मा पी चार कॉम्बिनेशन यहाँ पे चार बनाए हैं आप चाहो तो इनफाइनाइट बना सकते हो उस इनफाइनाइट में से ये चार आपको पूछे गए हैं आई होप यू अंडरस्टूड आगे बढ़ते हैं एक और टॉपिक आता है डेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिनिमम वरायंस पोर्टफोलियो ओके ध्यान देना आप नाउ व्हाट इज अ मिनिमम वरायंस पोर्टफोलियो गाइस अगर आपके पास में दो स्टॉक इफ यू हैव टू स्टॉक्स हाउ मेनी पोर्टफोलियोज कैन यू क्रिएट सेम चीज रिपीट करती रहूंगी जबकि आपके डीएनए में नहीं आ जाए वो राइट इफ यू हैव टू स्टॉक्स हाउ मेनी पोर्टफोलियोज कैन यू क्रिएट वी कैन क्रिएट इन फाइनाइट कॉम्बिनेशन ईल्डिंग इन फाइनाइट नंबर ऑफ आर पी बार एंड सिग्मा पीस आर ए बार आरबी बार सिगमा ए सिग्मा बी आर ए बी और कॉव एवी विल नॉट चेंज वॉट विल चेंज इज ओनली द वेट्स तो उन सारे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन में से मैं वो कॉम्बिनेशन जानना चाहती हूँ जहां पे मेरा सिग्मा पी सबसे कम आएगा अगर ए और बी दो स्टॉक हैं और उन दोनों को मिलाकर के मैं इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन या इनफाइनाइट पोर्टफोलियोज क्रिएट कर सकती हूँ तो गाइज मुझे वो वाला पोर्टफोलियो बताओ वो वाले वेट्स बताओ ए और बी के जिसमें अगर मैं स्टॉक ए और बी को डालू तो मुझे सिग्मा पी सब में से सबसे कम आना चाहिए जब मैंने इनफाइनाइट बोला है तो कैलकुलेट तो नहीं कर सकते ना मैनुअली तो मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं हाउ अंडरस्टैंड नाउ इस बंदे ने क्या किया हैरी uh, मार्कोविट्स ने ही टुक फर्स्ट लेवल डेरिवेटिव। ही टुक फर्स्ट लेवल डेरिवेटिव ऑफ विच फॉर्मूला ये फर्स्ट लेवल डेरिवेटिव ऑफ दिस फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला ये नॉर्मल जो फॉर्मूला है आपका इसका फर्स्ट लेवल डेरिवेटिव का मतलब होता है कैलकुलस नहीं करूंगी आप कंफ्यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया हेल्प ऑफ कैलकुलस एंड ट्राई टू रेड्यूज सिग्मा पी विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू ए मतलब मैथमेटिकली कैलकुलस एक मैथमेटिकल मेथड होता है फाइनेंस में टॉप लेवल में जाओगे तो सिर्फ कैलकुलस ही पढ़ना होता है उससे ज्यादा मतलब और भी हैवी लेवल ऑफ मैथमेटिक्स होते हैं बट बेसिकली कैलकुलस का यूज फाइनेंस में बहुत ज्यादा है क्यों पता है आपको मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन करते हैं हम कैलकुलस में प्रॉफिट्स की मैक्सिमाइजेशन रेवेन्यूज की मैक्सिमाइजेशन, रिटर्न्स की मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन ऑफ व्हाट रिस्क मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड सो ऑन तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो कैलकुलस में उसने क्या मिनिमाइज किया आपको क्या मिनिमाइज करना है सिग्मा पी आपको मिनिमाइज करना है तो सिग्मा पी को मिनिमाइज किया विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू ए कैलकुलेशन है डिराइवेशन है ऑफ कोर्स अभी नहीं डिस्कस कर सकते राइट right? तो उसको एक फार्मूला मिला यही वाले फार्मूला से डिराइव हो करके ये वाला फार्मूला आया है ये वाला कौन सा वाला ये वाला ये वाला, वाला फार्मूला देखो यहां पे, ये वाला फार्मूला उसी को मैथमेटिकली सॉल्व किया मिनिमाइज किया डीवाई बाई डी किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस तो उसको ये फार्मूला मिला आप बोलोगे कि मैम ये क्या फार्मूला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फार्मूला से आपको मिलेगा कि अगर वे ये जो डब्ल्यू ए कैलकुलेट होगा इस मेथड से और डब्ल्यू बी जो आंसर आएगा अगर आपके पास दो स्टॉक हैं और दोनों का डेटा है तो इस फार्मूला को अप्लाई करके जो डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी आएगा और इन दोनों को यूज करके जो सिग्मा पी आप कैलकुलेट करोगे उस सिग्मा पी से कम सिग्मा पी वाला कोई भी पोर्टफोलियो उन दोनों स्टॉक्स के साथ यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है मतलब आउट ऑफ ऑल द इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस बिटवीन ए एंड बी इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट अनदर कॉम्बिनेशन विच विल गिव यू अ लोअर सिग्मा पी मैंने टेस्ट किया है गाइस कम से कम पांच सौ हजार एक्सल में डाल के चेक किया है उस ये जो वेट डाल के सिग्मा पी आता है अगर आप कोई सपोज करो कि ये वेट आपने स्टॉक ए और बी के लिए डाला अज्यूम करो मेरे पास वक्त नहीं है इतना वरना मैं आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन दिखाती थी सपोज करो ये फार्मूला लगा के जो आपने डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी निकाला सपोज करो कि डब्ल्यू ए पॉइंट सिक्स आया और डब्ल्यू बी पॉइंट फोर आया ओके और पॉइंट सिक्स और पॉइंट फोर को यूज करके आपने सिग्मा पी निकाला तो कुछ तो आएगा आंसर उस आंसर से और नीचे आंसर लाना यानी कि अगर आप ए और बी को 50-50 में डालो या किसी और कॉम्बिनेशन में डालो तो वो जो सिग्मा पी आया है ये वाला वेट यूज करके 0.6 0.4 यूज करके उससे कम सिग्मा पी किसी भी और कॉम्बिनेशन में नहीं आता एंड दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो और मिनिमम वरायंस पोर्टफोलियो याद रखना एक बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उन्होंने लिख दिया मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो तो समझ जाना सम में वेट्स नहीं देंगे यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला कैलकुलेट डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी एंड उसके बाद सम आपका आगे बढ़ेगा प्लीज रिमेंबर ओके नाउ कैन वी हेड इट इज सिग्मा स्क्वायर बी माइनस कॉव ए बी डिवाइड सिग्मा स्क्वायर ए प्लस सिग्मा स्क्वायर बी माइनस टू इंटू कॉव ए बी अगर कॉफ की जगह आर दिया है तो आप दूसरा फॉर्मूला ये वाला यूज करोगे ओके नो चेंज एट ऑल ओके तो ये मिनिमम रिस्क वेरी इंपॉर्टेंट गाइस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे भूल जाते हैं तो ये यूज करोगे अगर उन्होंने आर ए भी दिया तो डिपेंड्स जो डेटा दिया है कॉफ का तो कॉफ का लगाना और आर का दिया है तो आर लगाना आपको भी पता है कि आंसर सेम आना है एक और साथ में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उसका नाम है बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ओके okay, तो हैरी मार्कोवि ने क्या किया कि दो फार्मूलाज लिए एक ये वाला ये तो आपको पता अभी तुरंत मैंने बताया ये फॉर्मूला कब लगाते हैं वेन आर इक्वल टू प्लस वन मैक्सिमम मैक्सिमम रिस्क पॉसिबल दो स्टॉक को मिला करके इससे ज्यादा रिस्क अचीव नहीं कर सकते इसे ऊपर नहीं जा सकते और ये फॉर्मूला से लगा के आपका आएगा कि अगर दोनों में रिलेशनशिप ये वाली परफेक्ट अगर नहीं है तो रिस्क को कम कर सकते हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको बोला जाता है बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ओके एक बात और बोल रही थी अभी तुरंत दिमाग में आया कि एक तो हो गया कि सब में आपको वेट्स दिए हुए हैं वो आपने यहाँ पे और यहां पे यहां पे और यहाँ पे सबस्टिट्यूट किया और समझो कॉफ ए बी या आर ए बी दिया हुआ है जो कि आर ए बी वन नहीं है वन से कम है तो ओबियस सी बात है कि आपका आंसर आपका आंसर टू का वन से कम आएगा कम आएगा बिकॉज ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा उन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आप बोलोगे बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं था इसकी वजह से हम थोड़ा रिस्क को रिड्यूस कर पाए और वो क्वांटिटी निकल के आएगी राइट right? मेरे दिमाग में एक बात और आ रही थी अभी आई एम एज्यूमिंग दैट एवरीबडी इज गुड एट पोर्टफोलियो बाय नाउ एंड नॉट बिकॉज ऑफ मी बिकॉज ऑफ देयर ओन लर्निंग तो मेरे दिमाग में एक बात और आ रही है कि ये जो डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी हमने यहां पे यूज किया है ये जो डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी हमने यूज किया है तो ये, ये, मैं क्या बोलना चाह रही हूं कि अगर ये डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी मैं इस फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट करूँ, पॉइंट नंबर वन अगर दिया हुआ है पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव यूज करो तो जो दिया हुआ है वो यूज करेंगे लेकिन अगर सपोज करो अगर मैं मिनिमम वराइज पोर्टफोलियो की फॉर्मूला की मदद से अगर डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी निकालती हूं और वो यूज करके मैं ये कैलकुलेट करती हूं तो आपको नहीं लगता कि वन नंबर मतलब ये वाले से जो निकलेगा मैक्सिमम रिस्क और इससे जो निकलेगा मिनिमम रिस्क मतलब उससे ऊपर जा नहीं सकते इसके नीचे आ नहीं सकते मैक्सिमम रिडक्शन इन रिस्क पॉसिबल विल बी वन माइनस टू तो मैंने आपको दो केसेस बताए अगर वेट दिया हुआ है तो दिमाग मत लगाना मतलब आप आप कैसे बोलोगे जो आपने वेट दिया है उस हिसाब से इतना रिस्क रेड्यूस करना पॉसिबल है मिनिमम रिस्क निकाल के अगर वो वेट्स यूज करोगे तो क्या बोलोगे इससे नीचे लाना पॉसिबल नहीं है रिमेंबर प्लीज माइंड इट ओके एक सम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं सब मैंने लिया है डेटा दिया है वरायंस मैंने अभी आपको शुरू में ही बोला था एक साथ वरायंस, का टू के साथ खुद का खुद के साथ वरायंस एक बी के साथ दिस वन इज को वराय बी का ए के साथ वापस को वराय दिस and this have to be the same a with b and b with a have to be the same they cannot be different agar different hai matlab sum mein data galat diya hai b ka b ke sath variance 144 is a variance of b 196 is the variance of a sum mein maine likha hai find out minimum risk portfolio. इसका मतलब क्या इसका मतलब ये कि A और B को किस कॉम्बिनेशन में मैं डालू दैट बिकॉज ऑफ विच द रिजल्टेंट सिग्मा पी इज द लीस्ट अमंग ऑल इन फाइनाइट कॉम्बिनेशन मतलब मैं किस कॉम्बिनेशन में ए और बी को डालू सो so दैट कि उस कॉम्बिनेशन से कैलकुलेट किया हुआ सिग्मा पी सबसे कम हो उससे कम होने की पॉसिबिलिटी ही ना हो तो अपने को वेट्स निकालने पड़ेंगे दिमाग नहीं लगाना मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का फॉर्मूला लगाना है फाइंड आउट बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन अगेन यू हैव टू कैलकुलेट वन दिस वन ऊपर एंड टू ऑन द द बेसिस ऑफ वेट्स कैलकुलेटेड इन पार्ट ए जो मैंने आप केस टू नहीं बोल रही थी मैं वही वाली चीज आ गई एंड कंप्यूट को ऑफ वेरिएशन लुक एट दैट गाइज डू दैट तो ये फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने यहां पे एंड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला वी हैव कैलकुलेटेड यू नो फॉर्मूला लगाया आंसर आया वी गेट पॉइंट फोर फोर एंड पॉइंट फाइव सिक्स मतलब क्या हुआ अगर आप पॉइंट फोर फोर और पॉइंट फाइव सिक्स के कॉम्बिनेशन में स्टॉक ए और बी को डालते हो तो आपका जो सिग्मा पी आएगा उससे कम सिग्मा पी लाना इन दोनों स्टॉक्स के लिए की मदद से पॉसिबल नहीं है ओके okay? नाउ ये मैंने निकाला बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है अगर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप वन होता तो मैक्सिमम रिस्क ये अचीव होता क्योंकि वन नहीं है कुछ और है तो है क्या अल्टीमेटली मैं बताती हूं कॉफ कितना दिया है कॉफ दिया है माइनस सिक्सटी तो आर क्या हो जाएगा आर ए बी विल बी कॉफ एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिगमा वाई तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस सिक्सटी डिवाइड बाय रूट ऑफ वन नाइन्टी सिक्स क्यों रूट हमें सिग्मा चाहिए उन्होंने वरायंस दिया हुआ है इनटू रूट ऑफ वन फोर्टी फोर ओके ओके सो माइनस सिक्सटी डिवाइड बाय माइनस सिक्सटी डिवाइड बाय फोर्टीन एंड अगेन डिवाइड बाय ट्वेल्व विल गिव यू माइनस पॉइंट थ्री सिक्स नेगेटिव है वन नहीं है इसका मतलब यू विल डेफिनेटली अचीव बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बिकॉज रिलेशनशिप इज नॉट वन ओके तो ये कैलकुलेट किया हमने नॉर्मल फॉर्मूला से जो कि होना चाहिए ये यूज कॉव है और 7.32 आया 7.32 से नीचे जाना पॉसिबल नहीं है सो द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन विच यू अचीव डिस सिक्स परसेंट एंड दिस बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज मैक्सिमम क्योंकि आपने मिनिमम रिस्क वाले वेट्स लिए हैं अपने मन से नहीं लिया है नो स्कोप फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट आउट देर ओके तो जस्ट प्लीज रिमेंबर उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कोई फिश ऑफ वेरिएशन मैंने बताया था आपको एस डी बाई मीन सब बोला कि आप मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का आप प्लीज सम अपने बुक में पढ़ो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन निकालो तो अगेन फॉर्मूला क्या होगा एस डी बाई मीन और सिग्मा पी बाय आर पी बार सिग्मा पी आप ये वाला लोगे क्योंकि वो तो सिर्फ एक अजामशन चल रही है यहां पे थोड़ी ना प्लस वन है है तो माइनस में ना मतलब प्लस वन थोड़ी है माइनस पॉइंट थ्री सिक्स है ना या कोवर अलग है कुछ तो भी राइट right? तो वो नहीं लोगे आप आप नॉर्मल वाला लोगे तो ये लिया है और आरपी बार कैलकुलेट करके दैट मींस यू गेट पॉइंट इसका ये मतलब हुआ इफ द रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो चेंजेस बाय वन द रिस्क ऑफ द मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो विल चेंज बाय पॉइंट ओके लोअर द बेटर ऐसे वाले सम्स पेपर में आते हैं गाइज फाइव मार्क्स सिक्स मार्क्स के लिए और आपको करना चाहिए बिकॉज ये काफी ज्यादा ईजी है कंप्लीटली आई होप मैंने आपको ट्राई कर रही हूं मैं कि हर फार्मूला आपको मीनिंग के साथ मैं समझाऊं ओके एंड एम श्योर यू आर एंजॉइंग द लेक्चर इसके बाद गाइज ग्रेजुअली इसके बाद दिस इज लाइक एक बेंचमार्क या एक माइलस्टोन आया है जहां पे मार्कोविट्स का इंपॉर्टेंस थोड़ा, थोड़ा कम होता जाएगा एंड विलियम शार्प विल स्टार्ट टेकिंग ओवर ओके तो इसके बाद वी आर बेसिकली मतलब ये जो पढ़ने वाले हमें हम अभी यहाँ पे वो ट्रांजिशन फेज है मैं एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता सकती कि कहाँ पे विलियम शार्प ने पिकअप के लिए और कहां पे उसने को करना चालू कर दिया बट जहां भी वर्ड मार्केट मार्केट आने लग जाएगा आप समझ जाना कि दैट विलियम शार्प हैज अराइव्ड फुल फ्लैचेड उसके पहले एक ओवरलैपिंग पीरियड जहां दोनों काम कर रहे थे थियोरी चेंज हुई ये प्रोसेस है ना कोई स्टार्ट और एंड नहीं होता बिकॉज दोनों साथ में काम कर रहे थे राइट तो मार्कोविट्स की जो इंपॉर्टेंस है थ्योरी की वो धीरे धीरे कम होती चली गई और विलियम शार्प की थ्योरी ज्यादा पॉपुलर हो गई बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक लेट्स स्टार्ट दैट ट्रांजेक्शन फेज एंड वी आर स्टार्टिंग विथ एफिशिएंट कव गैस ये जो पार्ट है ना डिस्कशन ऑन मैंने लिखा है ये कम से कम मिनिमम चार घंटे की थ्योरी होती है जहाँ पे अपने हर चीज के बारे में लाइक एफिशिएंट फ्रंटियर क्या होता है कॉन्सेप्ट क्या है सी एल कैपिटल एलोकेशन लाइन कैपिटल मार्केट लाइन सिक्योरिटी मार्केट लाइन एंड कैरेटिस्टिक लाइन सी एल अगर आप मुझसे पूछोगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन कभी भी इसके ऊपर में नहीं आते हैं कि आप थ्योरी को एक्सप्लेन करो लेकिन देर वुड बी एग्जॉस्टिव एप्लीकेशन ऑफ दीज थियोरीज एक्चुअली और दिस कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इसमें से यूज या कॉन्सेप्ट या एग्जाम में टेस्ट होता है वो है ये वाला और ये वाला लेकिन ये भी समझना उतना ही जरूरी है आपको सच्ची बात बोलू कि मैम आप पूछो कि मैम ये क्या है तो एफिशिएंट फ्रंटियर से चालू होकर के सीएल तक जब जाते हैं तो यू आर बेसिकली डिराइविंग सीए मॉडल मैं बहुत डिटेल में नहीं जा करके आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट समझाना चाहूंगी बिकॉज आगे सम्स कराने में मुझे भी ज्यादा आसानी होगी लेट्स स्टार्ट, वट इज एफिशियंट फ्रंटियर ये हेरी मार्कोविट्स की थ्योरी है यहाँ पर तो लेती हूँ मैं के करके, राइट नाउ लुक एट हियर। आपको अगर ड्रॉ करना तो आप मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हो पॉइंट नंबर वन यहां पे एफिशियंट फ्रंटियर ओके तो ये क्या होता है वो सुनना आप फटाफट एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे ये ऐसा है एंड ये एक डायग्राम में ले रही हूँ मे बी ये सारा आपका आप बोलोगे मैम ये क्या है मैंने आपको अब भी बोला गाइस कि दैट इफ़ वी हैव टू स्टॉक्स वी कैन क्रिएट इन फाइनाइट पोर्टफोलियोज राइट आई टोल्ड यू राइट नाउ अगर वो सारे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस मैं यहां पे डालू सपोज करो अगर मैं यहां पे डालू तो अपने को मिलेगा फिजिबल सेट ये फिजिबल सेट आएगा ओके okay. लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करी गई है कि जो भी स्टॉक यहां पे है और एक स्टॉक यहां पे है दोनों का रिस्क दोनों का रिटर्न रादर सेम है राइट right? लेकिन रिस्क इसका कम है किसका इसका ओके सिमिलरली सपोज करो कि एक पोर्टफोलियो यहां पे है इन दोनों का रिस्क सेम है लेकिन इसका रिटर्न ज्यादा है तो वॉट डज द एफिशियंट फ्रंटियर से इफ वी हैव टू स्टॉक्स वी कैन क्रिएट इन फाइनाइट पोर्टफोलियोज वेन ऑल दोज इन फाइनाइट पोर्टफोलियोज आर प्लॉटेड ऑन एन एक्स वाई एक्सिस वेयर रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज एक्स एक्सिस And return of the portfolio is y axis, it is called feasible set. All the portfolios lying towards the exterior left are called efficient portfolios Kyo? because the portfolio which lies on the efficient curve, yeah, efficient curve. Hai. This is your efficient curve. Okay, ye wali, efficient curve. Hai. क्यों बिकॉज अ पोर्टफोलियो विच लाइज ऑन एफिशियंट कर्व विल हैव अ लोअर रिस्क फॉर द सेम लेवल ऑफ रिटर्न मैं इसकी बात कर रही हूं राइट सिमिलरली अ पोर्टफोलियो विच लाइज ऑन द एफिशियंट कर्व विल हैव अ हायर रिटर्न फॉर द सेम लेवल ऑफ रिस्क एंड दट इज वाई ऑल द पोर्टफोलियोज लाई ऑन द एफिशियंट कर्व विल बी कॉल्ड एज एफिशियंट पोर्टफोलियोज सो वापस आ रही हूं when you have two stocks you can create infinite portfolios and when all those infinite portfolios are plotted on an xy axis we get feasible set all the portfolios which lie on the exterior left of the feasible set are called efficient set and the curve connecting all the efficient portfolios is called efficient frontier okay i hope i am clear now उस कर्व पे एफिशिएंट कर्व पे सारे पोर्टफोलियोज अच्छे हैं तो आप मुझसे पूछोगे ना कि मैम सारे तो अच्छे हैं मैं कौन सा वाला लूँ अच्छा क्वेश्चन है ये तो।, तो मैं आपको क्या बोलूंगी कि इस दुनिया के सारे लोगों को अगर मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूं तो एक कैटेगरी कहलाएगी रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हु इज ही उसको रिस्क नहीं चाहिए तो अगर रिस्क नहीं चाहिए तो रिटर्न भी ज्यादा नहीं मिलेगा दूसरा रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर और मॉडरेट और अ बैलेंस्ड इन्वेस्टर मतलब जितना रिस्क उतना रिटर्न या फिर उस आदमी के पास में रिस्क का परसेप्शन ही नहीं है तीसरा उस आदमी को सिर्फ रिटर्न चाहिए रिस्क की कोई परवाह नहीं है ऑल द थ्री पीपुल आर कॉल्ड रिस्क एवर्स इन्वेस्टर रिस्क न्यूट्रल इन्वेस्टर एंड रिस्क एग्रेसिव इन्वेस्टर तो इस कर्व पे एफिशिएंट कर्व पे सारे पोर्टफोलियोज बहुत अच्छे हैं सारे के सारे बहुत अच्छे हैं तो जो बंदा रिस्क एवर्स इन्वेस्टर होगा वो बंदा चूज करेगा पोर्टफोलियोज लाई समवेयर ही यहां पर शायद चूज करेगा जो बंदा मॉडरेटली रिस्क एवर्स होगा वो बंदा शायद इस कैटेगरी में चूज करेगा और जो बंदा हाईली रिस्क एग्रेसिव होगा शायद वो यहाँ जाना पसंद करेगा बिकॉज ही वुड चूज पोर्टफोलियोज विथ हायर रिटर्न विदाउट बॉदरिंग अबाउट द रिस्क अगेन ऑल पोर्टफोलियोज ऑन दैट कर्व आर दी बेस्ट पोर्टफोलियोज आप सारे नहीं ले सकते आप वो चूज करोगे जो आपके नेचर को जो आपके स्वभाव को सेटिस्फाई करता है एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर चूज करेगा एक अच्छा वाला पोर्टफोलियो बट टुवर्ड्स अ लोअर साइड ऑफ द देंट कर्व अ मॉडरेटली रिस्क एवर्स इन्वेस्टर वुड चूज टूवर्ड्स अडिल एंड अ हाईली रिस्क एवर्स इन्वेस्टर वुज अ पोर्टफोलियो विच इज ईल्डिंग अ वेरी हाई रिटर्न विदाउट बॉदरिंग अबाउट एनी रिस्क आपने एक चीज नोटिस किया यहाँ पे आपको नोटिस ये करना चाहिए कि ये जो कर्व बना है ना आपका ये जो कर्व बना है आपका मैं कैसे कोई कलर लेती हूं मैं आपको समझाने के लिए मे बी अ पिंक वन मे बी ये जो कर्व बना है आपका ये ये जो कर्व बनाई एफिशियंट कर्व की ये बहुत दूर से चालू होता है आपने नोटिस किया ये मतलब एक्स वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा दूर से चालू होता है इसका पता है मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है कि बगैर रिस्क लिए रिटर्न पॉसिबल नहीं है तो बेसिकली कर्व क्या है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ आप जैसे जैसे ऊपर रिटर्न्स की तरफ बढ़ोगे आप जैसे जैसे रिटर्न्स की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ोगे आप देखो रिस्क आपका बढ़ रहा है मतलब आई टू से दैट यहां पे जो रिटर्न मिल रहा है आपको लुक एट दैट रिस्क भी तो ज्यादा है एंड इसलिए रिटर्न ज्यादा है इसका देखो आप रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है तो बेसिकली आप जैसे जैसे अपने रिटर्न्स को बढ़ाओगे या वैसे वर्षा अपने रिस्क को बढ़ाओगे तो आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे रिस्क बढ़ाओगे तो रिटर्न्स बढ़ेंगे रिटर्न्स बढ़ाओगे तो रिस्क बढ़े, बढ़ेगा तो एक बेसिकली ये जो रफ्तार है ये जो चेंज है यू नो काइंड ऑफ परसेंटेज चेंज इन द रिस्क और परसेंटेज चेंज इन द रिटर्न फॉर ए स्मॉल इंक्रीमेंटल ऑफ रिस्क और वाइस वर्सा इज वॉट इज दिस कर्व रिप्रेजेंट्स आपको ये मैथ्स में ये बात पता है आपको कि जब एक कर्व मिलती है आपको जब आपको एक कर्व कोई एक्स और वाई यहां पे एक्स और वाई क्या है शांति से जाते हैं पोर्टफोलियो का रिस्क आपका एक्स एक्सेस है पोर्टफोलियो का या एसेट का रिटर्न आपका वाई एक्सेस है कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिटर्न है वो रिस्क पे डिपेंडेंट है क्यों

दो तरह की रिलेशनशिप आती है एक होता है कर्व या करवी लीनियर रिलेशनशिप और दूसरा होता है स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप आपको पता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बताती हूं जब आपको एक्स और वाई के बीच में स्ट्रेट लाइन मिलती है मतलब क्या हुआ इसका एक्स बढ़ा तो वाई भी बढ़ा एक्स और बढ़ा तो वाई भी बढ़ा जब स्ट्रेट लाइन मिलती है तो इसका मतलब हुआ द परसेंटेज चेंज इन वाई गिवन परसेंटेज चेंज इन एक्स इज कॉन्स्टेंट मतलब अगर एक्स वन परसेंट से बढ़ा और वाई टू परसेंट से बढ़ा तो अगर एक्स वन परसेंट से नीचे जाएगा तो वाई भी टू परसेंट से नीचे जाएगा वट एवर मतलब वो जो एक्स का वन परसेंट से ऊपर जाना या वाई एक्स का वन परसेंट से नीचे जाना द परसेंटेज चेंज इन वाई इज कॉन्स्टेंट एट टू मतलब अगर एक्स वन परसेंट से ऊपर गया तो वाई टू परसेंट से ऊपर गया अगर एक्स वन परसेंट से नीचे गया तो वाई भी टू परसेंट से ऊपर गया या फिर फॉर एवरी इंक्रीमेंटल चेंज चेंज द इन इज समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ओके तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है लेकिन अगर एक्स और वाई के बीच में ये जो रिलेशनशिप है चेंज का अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा ना तो आपको कर्व मिलती है मतलब जिस रफ्तार से सपोज करो कि एक पॉइंट पे सपोज मैं आपको बोलूँ एक बात मैं थोड़ा डिटेल में जा रही हूँ बट आई थिंक सम पीपल विल डेफिनेटली लाइक इट एंड मे बी एवरीबडी वुड लाइक इट आई एम नॉट सेइंग दैट तो अगर सपोज करो कि यहां पे यहां पे और मे बी यहां परसेंटेज चेंज इन वाई फॉर एवरी परसेंटेज चेंज इन एक्स इज नॉट कॉन्स्टेंट कहीं पे कुछ और परसेंट से कहीं पे कुछ और परसेंट से कहीं पे कुछ और परसेंट से इसलिए आपको एक कर्व मिल रही है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होती तो स्ट्रेट लाइन मतलब बेसिकली अगर रिलेशनशिप कांस्टेंट, मतलब हर पॉइंट पे परसेंटेज चेंज इन एक्स एंड परसेंटेज चेंज इन वाई का रिलेशनशिप अगर कांस्टेंट होता तो स्ट्रेट लाइन बनती कर्व नहीं बनता कर्व बनने का मतलब है कि अगर कर्व ऐसी है तो यहां पे यहां पे और यहां पे अगर एक्स वन परसेंट से यहां बदला तो y किसी और परसेंट से बदला यहां पे जब x वन परसेंट से बदला तो y किसी और परसेंट से बदला और यहां से बदला तो y किसी और परसेंट से बदला आई होप यू आर क्लियर अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो क्या होगा x वन परसेंट से बदला y टू परसेंट से बदला x वन परसेंट से बदला y टू परसेंट से बदला x वन परसेंट से बदला y टू परसेंट से बदला आई एम श्योर यू गॉट इट ओके तो बेसिकली कर्व मिली दो तीन बातें एक साथ फ्रेमवर्क में आएंगी थोड़ी देर के बाद अभी तुरंत आपको रिलेट नहीं होगा थोड़ा पेशेंस रखना आप अभी जब ये कर्व मिली तो आपको ये तो समझ गया फॉर एवरी परसेंटेज चेंज इन द रिस्क द परसेंटेज चेंज इन रिटर्न इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड दैट इज वाई यू आर गेटिंग अ कर्व एक और कंक्लूजन निकल के आ रही है कि अगर रिटर्न कमाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा इसलिए आपका डायग्राम ना तो एक्स को टच कर रहा है ना वाई को टच कर रहा है कहीं भी टच नहीं कर रहा है ओके okay? दूर से चालू हो रहा है दूर से चालू होने का मतलब होता है आप देखो ना आप खुद ही देखो आपका जो डायग्राम है इतनी दूर से चालू हो रहा है इसका मतलब अगर रिटर्न कमाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा उसके बिना पॉसिबल नहीं है रिटर्न कमाना तो टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम टिल एफिशिएंट कर्व ंग ओनली विथ रिस्की असैट्स मतलब स्टॉक्स अब तक के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जो थियोरी चल रही थी उसमें रिस्की एसेट्स या इक्विटी या स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे आपका सवाल आना चाहिए कि मैम आप क्या बात कर रही हूं? कुछ और भी है क्या हाँ कुछ और भी है तो इस थियरी के एफिशियंट कर्व के थियरी के बाद एक और थियरी आई उसका नाम था कैपिटल एलोकेशन लाइन और सी ए एल उसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हुआ थोड़ा इवॉल्व हुआ टिल नाउ इट वाज ओनली रिस्की असेट इक्विटी और स्टॉक जैसे ही मार्केट में डेट के बारे में बात चलनी चालू हुई मतलब डेट बिकेम एन ऑप्शन टू इन्वेस्ट इक्विटी के साथ कॉम्बिनेशन में आपका जो कॉम्बिनेशन है पोर्टफोलियो का वो बेहतर होगा क्यों बेहतर होगा बिकॉज सपोज करो कि एक स्टॉक अगर आपको 10 परसेंट का रिटर्न देता है तो आपको कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा उसके बगैर आपको 10 परसेंट नहीं मिलेगा लेकिन अगर सपोज करो कि मार्केट में कोई आपको डेट मिल जाए फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी मिल जाए जो 10 परसेंट का रिटर्न देता है तो आपको तो पता है कि अगर डेट है तो रिस्क होगा ही नहीं नेचुरली दैट मीन्स यू हैव बेटर ऑप्शन नाउ बिकॉज नाउ वन सिक्योरिटी इज अवेलेबल विच इज गोइंग टू ईल्ड यू टेन परसेंट विदाउट एनी रिस्क ओके सो जस्ट कीप वेटिंग आई एम गोइंग टू कम अलोंग विध सम मोर क्लैरिफिकेशन बट इसके बाद से जितने भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट होंगे वो होगा कैपिटल एलोकेशन लाइन कैपिटल मार्केट लाइन सिक्योरिटी मार्केट लाइन एंड कैरेटिस्टिक लाइन तो क्योंकि लाइन बहुत बार आ रही है लाइन को समझना बहुत जरूरी पहले लाइन फ्रॉम मैथ्स परस्पेक्टिव समझेंगे एंड देन ऑल द लाइन ओके सो वॉट इज अ लाइन कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन फटाफट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन देखो यहां पे आप ये एक्स है और ये वाई मैं कुछ भी ज्यादा नहीं बोल रही अगर सपोज एक्स आपका सपोज करो मार्केट है अज्यूम कर लो और ये आपका स्टॉक है इट्स वाई तो मार्केट ने जब 10 परसेंट का रिटर्न दिया तो वाई ने 15 परसेंट का रिटर्न दिया पॉसिबल जब मार्केट ने 12% परसेंट का रिटर्न दिया तो स्टॉक ने 25% परसेंट का रिटर्न दिया ये पॉसिबल है तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं यहां से ओके ये इसका स्लोप है पता होना चाहिए इस वरना पोर्टफोलियो नहीं समझेगा आपको ठीक से लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ए होती है ओरिजिन मतलब लाइन कहां से चालू हुई और बी होता है इसका बेंट समझना ध्यान से मुश्किल नहीं है तो मैं बोलती हूं आपको आप पूरे फाइनेंस को चाहो तो एक्स और वाई में पूरा का पूरा आप कन्वर्ट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको उसके अंदर में ओके तो मैं आपको क्या बोलना चाह रही दैट कि कि अज्यूम करो मेरे पास एक स्टॉक है और वो स्टॉक मुझे 5 परसेंट का रिटर्न तो वैसे भी दे देता है ओके बाकी जो रिटर्न वो स्टॉक देगा वो डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा मूव कर रहा है मतलब स्टॉक के रिटर्न के दो पार्ट हो गए एक इंटरसेप्ट ए फाइव ओके तो फाइव आपका कांस्टेंट पार्ट हो गया वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ओके okay? बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट इज डिपेंडेंट ऑन मार्केट मतलब अगर मार्केट वन से चेंज हुआ तो मैं कितने से चेंज करूंगी ओके okay? नाउ इस केस में मार्केट हो गया एक्स और स्टॉक हो गया वाई तो इन दोनों के बीच में अपने को रिलेशनशिप निकालनी पड़ेगी वो कैसे निकलेगी वो रिलेशनशिप ऐसे निकलेगी b इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड टू ट्वेंटी बाय ट्वेल्व माइनस टेन दिस विल बी इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस फिफ्टीन होता है दस तो टेन डिवाइड बाई टू विल गिव यू फाइव ये पांच का स्लोप आ गया आपका मतलब इस पांच का मतलब क्या हुआ कि जब भी मार्केट वन परसेंट से चेंज करेगा हमारा वो वाला रिटर्न कंपोनेंट जो मार्केट पर डिपेंडेंट है वो फाइव परसेंट से चेंज होगा ये ध्यान रखिएगा तो ये आपका जो ए है ये हो गया ओरिजिन फाइव ओके और ये हो गया आपका स्लोप एंड स्लोप इज डिपेंडेंट ऑन x द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y के दो पार्ट है रिटर्न के एक वो वाला पार्ट जो मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है यानी कि इंटरसेप्ट a ये वाला पार्ट यानी इतना रिटर्न तो मुझे वैसे भी आता है बाकी रेस्ट ऑफ द रिटर्न इज डिपेंडेंट ऑन द मूवमेंट ऑफ एक्स तो वो रिलेशनशिप हमने निकाली फाइव गाइस दिस इज योर एक्स एंड वाई एक्सप्लेनेशन वेर आई है स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक एग्जाम्पल इन टर्म्स वाई आप चाहो तो कोई भी दो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट और दूसरा वेरिएबल उसके ऊपर है डिपेंडेंट आप एक्स वाई फॉर्मैट में डाल सकते हो और उन दोनों के बीच रिलेशनशिप निकाल करके आप एक स्ट्रेट लाइन या लीनियर रिलेशनशिप आप ड्रॉ कर सकते हो लेकिन रिलेशनशिप लीनियर तब मानी जाएगी वेन फॉर एवरी वन परसेंटेज चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज सेम अगर ऐसा नहीं होगा तो रिलेशनशिप लीनियर नहीं होगी और स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी तो द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स यहां पर मैंने लाइन को यूज किया टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट एंड द स्टॉक

5 से चेंज करेगा दिस इज द होल कॉन्सेप्ट कोई भी दो वेरिएबल का आप इस तरह से रिलेशनशिप निकाल सकते हो ओके okay? अब अपन आगे बढ़ेंगे with capital allocation line. Assume करो ऐसे बात करते हैं। फिलहाल इस एग्जांपल को छोड़ दो एक्स और वाई समझो क्या होता है अगर मान लो कि मेरा अम्ब्रेला का बिजनेस है मैं अम्ब्रेला सेल करती हूँ पॉसिबली मार्केट में तो किसी एक दिन बारिश हो रही है सपोज करो तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक पर्टिकुलर बारिश के मौसम में कोई एक पर्टिकुलर दिन मैं कितना या कितने छाते बेच लूंगी तो मैं क्या बोलूंगी पांच छाते तो डेली के मैं वैसे भी बेच लेती हूँ ये आपका ओरिजिन ए इफ यू कैन सी द डॉटेड लाइन हियर तो आपका ए वो पांच हो गया आपका राइट right? उसके अलावा मेरी सेल निर्भर करेगी तो ये आपका कॉन्स्टेंट पार्ट हो गया टू गट दैट ये पांच छाते तो मैं वैसे भी बेच लेती हूँ उसके अलावे डिपेंड करता है बारिश कितनी ज्यादा हो रही है तो डोंट यू थिंक योर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज बारिश और रेन एंड योर वाई इज योर अम्ब्रेला तो अगर सपोज करो कि रिलेशनशिप निकालेंगे कैसे निकालेंगे वो देखो आप रिलेशनशिप निकलेगा बी दिस ए इज ओरिजिन एंड दिस बी इज योर स्लोप स्लोप का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन और रिलेशनशिप ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ओके मतलब एक्स कितने परसेंट से चेंज करेगा और वाई उसके ऊपर कितने परसेंट से चेंज करेगा या फिर एक्स अगर वन परसेंट से चेंज करेगा तो वाई कितने परसेंटेज से चेंज करेगा वो रिलेशनशिप निकाल सकते हैं ना अपन कैसे वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन सो बी विल बी ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव बाई टेन माइनस और आदर ट्वेल्व माइनस टेन नॉट टेन माइनस ट्वेल्व सो टेन y2 टू माइनस वाई बार एक्स टू माइनस एक्स बार तो ट्वेंटी डिवाइड बाई टू इसका मतलब हो गया ट्वेंटी डिवाइड बाई टू कितना टेन इसका मतलब यह हुआ अगर आपकी बारिश वन परसेंट से बढ़ती है तो आपका दस छाता या फिर आपकी टेन परसेंट सेल आपकी बढ़ेगी वेन आर एक्स विल चेंज बाय वन परसेंट योर वाई विल चेंज बाय टेन परसेंट एक्चुअली ओके ऑन एन एवरेज है ना ये रिलेशनशिप निकल गया तो अभी आपको अपने रिलेशनशिप निकाल ली कि ए इज फाइव एंड बी इज टेन क्वेश्चन आएगी वाई इज इक्वल टू फाइव प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस फाइव प्लस टेन एक्स आप जब भी एक्स का डेटा डालोगे आपको पूरा का पूरा आंसर मिलेगा कि आपके कितना आंसर वाई का आना चाहिए गाइज यहां पे मैंने आपको एग्जाम्पल थोड़ा सा हो सकता है कि ऊपर नीचे एग्जाम्पल हो रहा था बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन फीलिंग्स एक्चुअली नॉट रादर ऑन एक्यूरेट डेटा आप समझो मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूं आपको ओके okay, तो जिस तरह से आप बारिश और छाते में रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हो फाइनेंस में कोई भी दो वेरिएबल जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट एक दूसरे नहीं रादर जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट के ऊपर स्टॉक डिपेंडेंट है तो इस तरह से कोई भी दो वेरिएबल के बीच में आप एक्स वाई आइडेंटिफाई हम करेंगे और रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं एंड वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प और कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइन सो वॉट इज अ लाइन लाइन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वाई ओके लाइन हैज गॉट टू पैरामीटर्स ओरिजिन ए एंड स्लोप बी ओके एंड द स्लोप ऑफ द लाइन कैन बी कैलकुलेटेड विदेल्प ऑफ वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन ओके और लाइन की क्वेश्चन होती है ओरिजिन कहां से चालू हुई प्लस उसका बैंड आई एम श्योर इट इज ट्यूटिव एक्चुअली आपको अंदर से फील करना पड़ेगा ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है यह लाइन रिप्रे रिप्रेजेंट करती है कि शुरुआत मतलब मिनिमम या बेयर अमाउंट कितना है और उसके ऊपर वो जो स्लोप है परसेंटेज चेंज इन वाई बिकॉज ऑफ एक्स वो दोनों को ऐड करोगे तो लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी आपकी. आपके आपके कैलकुलेशंस में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ये एक्स और वाई रिप्रेजेंट करेंगे रिस्क एंड रिटर्न एक्स विल रिप्रेजेंट सिग्मा पी एंड वाई विल रिप्रेजेंट आरपी बार अज्यूमिंग दैट पी बार इज डिपेंडेंट ऑन सिग्मा पी ओके okay. सो so, आपका बेयर अमाउंट रिटर्न कितना होगा उसके बाद आपका रिटर्न डिपेंड करेगा कि आप कितना रिस्क ले रहे हो जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे आपको रिटर्न उतना ज्यादा आता जाएगा दिस इज कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ रही हूं मैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एलोकेशन लाइन आगे बढ़ती हूं कैपिटल ये मुझे समझाना पड़ेगा बिकॉज उसके अलावा अपने पास चॉइस नहीं इतनी ज्यादा उसके बाद कैसे ये वाला जो पार्ट है ना 15-20 मिनट्स का ये आपको थोड़ा सा लाइक टाइम लगेगा समझने में या बोर होगा या नींद आएगी वॉट एवर बट ये समझ लिया तो पोर्टफोलियो आगे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा ये आप ध्यान रखना ना ओके सो हाँ, अभी क्या हो गया दोनों तो पहले बोला दैट अभी तक एफिशिएंट फ्रंटियर तब तक डिस्कस कर रहे थे तब तक वी वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट रिस्की एसेट्स एंड टिल इसीलिए आपका डायग्राम थोड़ा दूर से चालू हो रहा था बिकॉज बिना रिस्क के रिटर्न नहीं कमा सकते अब क्या हो गया इन्होंने बोला कि अगर हम इन्वेस्टमेंट स्पेस में डेट इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा आपको पता है डेट इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा डेट इंट्रोड्यूस करने की वजह से घर में मैथमेटिकल डिराइवेशन में नहीं जा पाऊंगी बिकॉज अपने को बहुत कवर करना है राइट तो डेट इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा दैट ओल्ड कर्व्ड एफिशिएंट फ्रंटियर विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन ये आपको लॉजिक में जरूर बता दूंगी सो बेसिकली अगर आपने डेट इंट्रोड्यूस किया तो क्या होगा अब आपके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो चीजें होगी रिस्की असेट एंड रिस्क फ्री असेट और आप बनाओगे कॉम्बिनेशन तो ये जो ए है ये रिस्की असेट है और आर एफ आपका ओरिजिन है तो यू कैन यू सी दैट नाउ यू कैन गेट सम रिटर्न विदाउट एनी रिस्क ओके सो ऑल द कॉम्बिनेशन मतलब अब आप डेट और इक्विटी को मिला करके पोर्टफोलियोज आप बनाओगे तो अगर आपने पूरा पैसा डेट में डाला तो यू विल अर्न रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आर एफ और अगर आपने पूरा पैसा ए में डाला तो आपको ए के जितना रिटर्न मिलेगा अज्यूम करो कि आर ए इज सपोज ट्वेंटी परसेंट सिग्मा ए इज सपोज सेवन परसेंट आर एफ इज सपोज टेन परसेंट एंड सिग्मा आर एफ हैजू बी जीरो बिकॉज डेव एनी रिस्क नेचुरली डिविशन आएगा ही नहीं ना अगर आप दस 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 लोग मैंने बताया था आपको वो जीरो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार और रिस्क नहीं आएगा ओके okay. तो अगर मैं आर पी बार बनाऊ आप बोलोगे मैम आपको आ, आपने ये क्या लिया है ये वाली पार्ट राइट देखा इस कर्व पे भी कर्व पे भी सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो वो है जो कर्व के टिप पे वो जो बल्ज है ना बल्ज के जो टिप पे है वो सबसे अच्छा पोर्टफोलियो है पूछो आप क्यों वो इसलिए क्योंकि देखो आप जैसे जैसे आप रिटर्न uh, को बढ़ा रहे हो तो रिस्क भी बढ़ रहा है आपका जैसे जैसे आप रिटर्न बढ़ा रहे हो रिस्क भी बढ़ रहा है तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि जब एक कर्व मिलती है हमें इसका मतलब ये होता है कि फॉर एवरी परसेंटेज चेंज इन द रिस्क द रिटर्न परसेंटेज चेंज इन द रिटर्न इज नॉट कॉन्स्टेंट दैट यूरस्टूड ऑलरेडी राइट तो जब यह बल्ब मिलता है तो बल्ब का जो टिप है ना आप देखो आप समझते हो तो डिशिंग वहां पर रिटर्न बढ़ रहा है लेकिन रिस्क रेलेटिवली कम रफ्तार से बढ़ा था अभी तो इधर मूव कर गया ना इधर मूव करने का मतलब ही क्या हुआ इधर मूव करने का मतलब ये होता है कि जिस रफ्तार से यहां से यहां जिस रफ्तार से बढ़ रहा था यहां जाके रिस्क बढ़ने की स्पीड कम हो गई रिटर्न बढ़ा सेम स्पीड से या ज्यादा स्पीड से बट रिस्क रिलेटिवली कम बढ़ा उसके बाद वापस से दोनों बढ़ने लग गए इसलिए उस बल्ज का जो टिप है दैट इज कॉल्ड ग्लोबल मिनिमम वराय पोर्टफोलियो कहने का मतलब है जिस रफ्तार से रिस्क बढ़ रहा है वहां पे, या फिर द इंक्रीमेंटल रिटर्न फॉर स्मॉल चेंज इन रिस्क इज वेरी हाई आई थिंक द बेस्ट आई कैन गेट

डेट इंट्रोड्यूस आप करते हो इन्वेस्टमेंट स्पेस में तो क्या होगा अगर आप डेट इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको पता है क्या होगा कि आपका जो इक्वेशन है आरपी बार का वो चेंज हो जाएगा मेरे कहने का मतलब है आपके पास अब सिर्फ रिस्की एसेट नहीं है आपके पास डेट भी है आप पूरा पैसा अगर आर में डालते हो तो दस कमाओगे पूरा पैसा रिस्की में डालोगे तो बीस कमाओगे लेकिन हम दोनों का कॉम्बिनेशन भी तो बना सकते हैं अगर कॉम्बिनेशन बनाया तो कैसा दिखेगा फार्मूला डब्ल्यू आर एफ आर आर एफ बार प्लस डब्ल्यू ए आर ए बार राइट ये आर पी बार का फॉर्मूला हुआ सिग्मा पी में क्या हो जाएगा जस्ट लुक एट दैट डब्ल्यू स्क्वायर आर एफ सिग्मा आर एफ स्क्र प्लस डब्ल्यू स्क्र ए सिग्मा स्क्वायर ए प्लस टू इंटू डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू आर एफ इंटू आर आर एफ सिगमा ए इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा आर एफ नॉर्मल इक्वेशन जो आप जानते हो राइट right? ये पूरा मैंने रूट ले लिया आई एम आईम श्योर ऑल ऑफ यू नो दिस कि ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट जीरो है और ये वाला पार्ट भी जीरो है तो अगर वो जीरो है तो पूरा का पूरा फर्स्ट और थर्ड टर्म इक्वेशन का ज़ीरो हो गया और आपके पास बचेगा सिग्मा पी डब्ल्यू स्क्वेर ए sigma square a and root w a sigma a the moment the moment a risk free asset is introduced into the investment space you know what will happen the curved efficient frontier will get converted into a straight line and all the combinations which lie on the straight line capital allocation line have got have got बेटर रिस्क रिटर्न प्रोफाइल इन कंपेरिजन टू द कर्व्ड फ्रंटियर अगर हिंदी में लेमन भाषा में समझोगे तो कर्व पे जो पोर्टफोलियोज थे उनसे भी बेहतर अब लाइन पे हैं पूछो क्यों बिकॉज अब कुछ रिटर्न बिना रिस्क के अवेलेबल है सम अमाउंट ऑफ रिटर्न इज पॉसिबल विदाउट रिस्क ऑल्सो इसलिए जो आप सोचो ना कि आपके पास पहले जो वो इक्विटी थी वो दस परसेंट का रिटर्न दे रही थी मगर रिस्क भी था साथ में अब आपके पास में एक ऐसा एसेट है जो रिटर्न तो दे रहा है मगर रिस्क नहीं है तो जब आप एवरेज निकालोगे रिस्क और रिटर्न का तो रिटर्न तो कांस्टेंट रह गया सेम रह जाएगा बिकॉज वही दस मिल रहे हैं अपने को लेकिन रिस्क वाले पार्ट पे अपने को एवरेज नीचे चला जाएगा सो दैट इज वाई एम द कॉम्बिनेशन विल बी बेटर ऑन द स्ट्रेट लाइन इन कंपेरिजन टू द कर्व्ड फ्रंटियर एंड द फॉर्मूला फॉर सिग्मा पी विल गेट रेड्यूस टू दिस वन यू you नो know, इसका ये जो इक्वेशन है इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इसका मतलब क्या हुआ द परसेंटेज डेट डालने के बाद क्या होगा द परसेंटेज चेंज इन द रिटर्न एवरी वेयर फॉर फॉर द सेम परसेंटेज चेंज इन रिस्क वुड बी द सेम जो कि कर्व्ड फ्रंटियर में नहीं था यहाँ पे चेंज अलग था यहाँ पे अलग था यहाँ पे अलग था लेकिन जैसे ही आप डेट के साथ रिस्की एसेट कंबाइन करोगे तो आपको जो कॉम्बिनेशन मिलेगी वो बेहतर कॉम्बिनेशन होगी बिकॉज रिटर्न सेम रह जाएगा रिस्क कम हो जाएगा और एवरी परसेंटेज चेंज आप जैसे जैसे रिस्क बढ़ाओगे रिटर्न सेम प्रोपोर्शन से चेंज होगा एंड दैट इज वाई यू विल नॉट गेट अ कर्व्ड फ्रंटियर यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन इससे ज्यादा आपको जानने के फिलहाल में कोई भी जरूरत नहीं है और सी एल इज गिवन बाय आरपी इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ बाय सिमा ए होल इंटू सिग्मा पी मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूं यहाँ पे सिर्फ एक बात और वो कि ये इस पे डिपेंडेंट है ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है आप अगर मैं कोई चीज करके दिखाती हूं ये कुछ भी नहीं आपको सेम फॉर्मूला मैंने यूज किया है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स मतलब इसके वजह से ये अफेक्ट होगा ओके okay. आप देखो ना आप लाइन पे आप लाइन पे जितना ज्यादा आप आर एफ डालोगे जितना ऊपर जाओगे मतलब आप रिस्की एसेट की तरफ जा रहे हो आप जितना पैसा अपना इधर डालोगे इसमें इसमें वेट ऑफ ए बढ़ेगा और वेट ऑफ ए अगर बढ़ेगा तो क्या होगा रिटर्न्स भी बढ़ेंगे और रिस्क भी बढ़ेगा दोनों बढ़ेंगे आप जितना नीचे जाओगे आप इसका मतलब आप आर एफ की तरफ मूव कर रहे हो आपके रिटर्न्स भी घटेंगे और रिस्क भी घटेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका आर पी बार इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सिग्मा पी मैं दो चीज दिखा रही हूँ आपको साथ में योर आरपी बार इज डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन सिग्मा पी एंड सिग्मा पी इज डिपेंडेंट ऑन एट दैट एंड सिग्मा पी इज डिपेंडेंट ऑन दिस वन करेक्ट ना जितना ज्यादा रिस्की एसेट होगा पोर्टफोलियो में रिस्क उतना ज्यादा होगा ओके okay. क्या काम आता है ये गैस बेसिकली ना ये दिस इक्वेशन में एग्जाम में डायरेक्टली सम तो नहीं आते बट इनडायरेक्टली कुछ कुछ पूछते हैं वो लोग राइट right? तो आपको देखो ये दिस इक्वेशन इज वेरी सिमिलर टू सी ए पी एम मॉडल मैं आपको और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी बहुत ज्यादा बट ये जानोगे तो अच्छा रहेगा मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल दिखाती हूँ कहाँ काम आता है फिर उसके बाद अपन फटाक से सीधा एस में ही जाएंगे ओके okay. तो यहाँ पे देखो आप एग्जाम्पल नंबर आपको जो डेटा ऊपर दिया था वो ध्यान है आपको फिर से मैं लिखती हूँ एग्जाम्पल वन टारगेट रिटर्न टारगेट रिटर्न इज इक्वल टू फिफ्टीन परसेंट मेरे मुझे पंद्रह परसेंट कमाना है राइट right? तो मैं क्या करूंगी मुझसे मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे ए और आर एफ को मिला करके पंद्रह परसेंट कमाना है आप बताओ वो जो पोर्टफोलियो होगा उसमें कितना पैसा आर एफ में डालूं और कितना पैसा ए में डालूं तो मुझे पंद्रह परसेंट मिलेगा और इस कॉम्बिनेशन का रिस्क क्या होगा मैंने ऊपर आपको डेटा दिया है ए इज ईल्डिंग ट्वेंटी परसेंट आर एफ इज ईल्डिंग टेन परसेंट एंड द रिस्क ऑफ ए इज सेवन रिस्क ऑफ आर एफ इज नेचुरली जीरो तो वी कैन यूज सी एल फॉर दैट एट हियर तो यहां पे मैं यूज करूंगी आर पी इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ यू नो व्हाट इसको रिस्क प्रीमियम बोला जाता है ये जो ब्रैकेट्स में डाल रही हूँ ना मैं इसको रिस्क प्रीमियम बोला जाता है ये कॉन्स्टेंट रहेगा ये पार्ट नाउ पंद्रह चाहिए अपने को बिठा दिया मैंने यहां पे ये दस है ट्वेंटी माइनस दस डिवाइड बाय सेवन इंटू सिगमा पी तो 15 माइनस टेन फाइव हो जाएगा ये सो so 5 इज इक्वल टू 10 बाय सेवन सिग्मा p. ओके okay, तो क्या हो जाएगा सिग्मा p? आप बताओ सिग्मा p विल बी 35 फाइव डिवाइड बाई टेन सेवन इंटू फाइव थर्टी फाइव तो सेवन सेवन इंटू फाइव डिवाइड बाई टेन विल गिव यू थ्री पॉइंट फाइव 3.5 परसेंट मतलब रिटर्न होगा 15 ऐसे पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा 15 और रिस्क होगा इतना और आपको पता है वेट क्या होगा अपने को पता है सिग्मा पी डब्ल्यू ए सिग्मा ए मतलब जब भी आप पोर्टफोलियो में आर एफ डालोगे पूरा फॉर्मूला नहीं आएगा सिग्मा पी का फॉर्मूला होगा डब्ल्यू ए इंटू सिग्मा ए वेट ऑफ द रिस्की असेट मल्टीप्लाइड विद द रिस्क ऑफ रिस्की असेट तो 3.5 आया यहाँ पे ये डब्ल्यू ए अपने को पता है ये सेवन है तो डब्ल्यू ए विल भी थ्री पॉइंट फाइव डिवाइड बाई सेवन विल बी वन माइनस पॉइंट फाइव इक्वल टू पॉइंट फाइव ये काम आता है ये आप सारा एक साथ देखो यहाँ पे तो बेसिकली इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमें पंद्रह परसेंट रिटर्न कमाना है और हमको दो एसेट्स अवेलेबल है एक रिस्की और एक रिस्क फ्री रिस्की का रिटर्न 20 है और रिस्क फ्री का 10 है तो अगर हम 50 50 परसेंट ऑफ द इन्वेस्टेबल अमाउंट दोनों में डालें तो हमें पंद्रह का रिटर्न मिलेगा और हमारा रिस्क होगा थ्री एंड हाफ परसेंट ओके एक और दिखाती हूँ आपको एक और दिखाती इस तरह से कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं यानी कि दस से लेकर के बीस तक में इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है आपको जो चाहिए वो आप निकालो ऐसे ही प्रॉक्टिकल भी मार्केट में हम निकालते हैं गाइस हमारे पास में फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं या डिबेंचर्स और बॉन्ड्स होते हैं और साथ में रिस्की एसेट होता है डिबेंचर्स और बॉन्ड्स का रिटर्न भी फिक्स है और स्टॉक्स का रिटर्न भी ऑन एन एवरेज फिक्स है बेसिकली आपको बताऊं मैं ये जो मैंने ए लिया ना ये रिस्की एसेट लिया रिस्की पोर्टफोलियो तो हम ए को क्या समझते हैं प्रैक्टिकली जब मैं यूज करती हूं तो मैं ए को क्या बनाती हूं बीएससी सेंसेक्स का रिटर्न तो मेरे पास में दो एसेट हो गए बेसिकली दो एसेट क्लास हो गए एक हो गया मेरे पास बॉन्ड या डिबेंचर जिसका रिटर्न कहलाएगा आर और एक होगा सेंसेक्स का रिटर्न बिकॉज कम से कम मैं मैं अज्यूम करती हूँ कि कम से कम मैं मार्केट के जितना तो कमाई लूंगी ना विदाउट नी एफर्ट ऑल्सो आप मार्केट के जितना तो ऊपर जाओगे ना तो वो हो गया आपका एसेट रिस्की एसेट का रिटर्न और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके हम पैसों को एलोकेट करते हैं कि कहां पर कितना पैसा जान, डालना चाहिए ओके okay. नाउ एक और लेती हूँ ये आपको बहुत ज्यादा लर्निंग आएगी इसमें एक सेकेंड नाउ इसके बाद टारगेट एग्जाम्पल नंबर टू टारगेट रिटर्न ट्वेंटी फाइव लेती हूँ again 25 is equal to 10 plus 20 minus 10 divided by 7 into sigma p there will be a bit of surprise in front of you but check it out so this will be what 15 15 is equal to 10 divided by 7 into sigma p so 15 into 7 divided by 10 will give you sigma p equal to 10.5 as we know सिग्मा पी इज डब्ल्यू ए सिग्मा ए सो टेन पॉइंट फाइव इज इक्वल टू डब्ल्यू ए इंटू सेवन सो डब्ल्यू ए विल भी डिवाइड बाई सेवन फाइव आपको क्या लगता है ये लोग क्या बोल रहे हैं आपको पता है कि आप ए में आप ए में वन पॉइंट फाइव का वेट डालो पॉसिबल है डब्ल्यू आर एफ वन माइनस वन पॉइंट फाइव इक्वल टू माइनस पॉइंट फाइव ये मुझे दिखाना था आपको आपको पता है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह होता है कि मार्केट में आर एफ दस दे रहा है और रिस्की एसेट बीस दे रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बीस से ज्यादा देने वाला कोई भी एसेट मार्केट में अवेलेबल नहीं है मतलब इसके ऊपर जाना संभव नहीं है मार्क मैक्सिमम हो गया ना कुछ लिमिट भी तो होती होगी ना यानी अगर पूरा पैसा डालो तो दस पूरा पैसा पूरा पैसा भी डाल दो तो बीस से ज्यादा नहीं कमा सकते इन दोनों के बीच में ऑफ कोर्स बहुत सारे कॉम्बिनेशन है पर वो बीस से कम ही मिलेगा आपको मुझे जाना है इसके ऊपर आई वॉन्ट टू गो बियॉन्ड पॉसिबल नहीं है पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज बीस से ज्यादा देने वाला कोई एसेट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो करें क्या बोरोइंग शॉर्ट सेलिंग ओके आपने जिंदगी भर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जैसा एक टर्म या फ्रेज आपने सुना है आपने शायद रिलेट कभी नहीं किया आपके पास अगर दो एसेट कैटेगरी है जहां पे, मैं ये एग्जांपल ले रही हूं जहां पे एक हमें देता है 20 का रिटर्न और एक हमें देता है 10 का रिटर्न या एक का रेट दस है और एक दूसरे का रेट बीस है तो आपको पता है अपने रिटर्न को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए दस वाले में बोरो करना चाहिए और बीस वाले में लगाना चाहिए सपोज करो आपके पास सौ रुपए हैं आपने पूरा पैसा अगर इक्विटी में लगा दिया तो बीस कमाओगे आप? आपके पास एक और रास्ता है कि आप दस वाले में बोरो कर लो ओके दस वाले में अगर आप बोरो करोगे तो पता है क्या होगा आप बीस कमाओगे लेकिन देना तो दस पड़ेगा और जो दस बच जाएगा वो आपके रिटर्न्स को बढ़ाएगा कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यहाँ पे भी हमारे पास में दो एसेट है डेट और रिस्की एसेट अगर आपको मैंने आपने नोटिस किया कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? डिड यू नोटिस what डिड आई राइट हियर मैंने लिखा है कि मुझे टारगेट रिटर्न 25 का चाहिए जबकि मार्केट में 20 से ज्यादा देने वाला एसेट ही नहीं है तो क्या करूं फिर मैं फिर मैं डेट में इन्वेस्ट नहीं करूंगी वो जो डायग्राम था मुझे इसमें ऊपर जाना है ग्रीन वाला पार्टी आई वॉन्ट टू गो बियॉन्ड इफ यू वॉन्ट टू गो बियॉन्ड

आपके पास एक लाख रुपए हैं तो एक लाख की मदद से आप 20 परसेंट पूरा पैसा डाल दो ना बीस हजार कमाओगे आपको कमाना है पच्चीस हजार पच्चीस परसेंट तो पच्चीस परसेंट कैसे कमाएंगे बिकॉज पैसे तो हमारे पास में एक लाख ही है और एसेट भी बीस से ज्यादा देने वाला पॉसिबल नहीं है तो क्या करें 1.5 का मतलब होता है अगर एक लाख रुपए खुद का है तो पचास हजार रुपया दस पे बोरो करो तो कितने पैसे हो गए डेढ़ लाख एक लाख प्लस फिफ्टी थाउजेंड डेढ़ लाख रुपए को इन्वेस्ट करो 20 परसेंट पे इंटू ट्वेंटी परसेंट तीस हजार तीस हजार में से सामने वाले को ब्याज देना पड़ेगा पचास हजार पे 10 परसेंट और वो होता है पांच हजार माइनस पांच हजार तो कितना आ गया तीस हजार माइनस पांच हजार गिफ्ट यू पच्चीस हजार रुपए या फिर ऐसे भी आप कर लो आपने पैसे पचास हजार बोरो की आपके खुद के एक लाख डेढ़ लाख रुपए इंटू 20% परसेंट कितना आया तीस हजार ओके वन लाख फिफ्टी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी परसेंट एक लाख अस्सी हजार आया आपका एक लाख और सामने वाले का पचास हजार आपने ऐड किया डेढ़ लाख मार्केट में डाला बीस परसेंट पे तो डेढ़ लाख प्लस बीस परसेंट विल गिव यू वन लाख एटी थाउजेंड सामने वाले का आपने पचास हजार बोरो किया है और आपको पांच हजार का ब्याज भी देना है तो फिफ्टी फाइव थाउजेंड माइनस फिफ्टी फाइव थाउजेंड आप देखो एक लाख पच्चीस हजार हो गए आपके खुद के पैसे थे लाख और पच्चीस हजार आपने कमाया दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग और शॉर्ट बोरोइंग शॉर्ट सेलिंग और बोरोइंग मतलब माइनस साइन का मतलब होता है बोरोइंग प्लस का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट दिस इज अ सी एल कॉन्प्ट आगे बढ़ रही हूं मैं विद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड द सी एम एल सी एम एल इज सेम लाइक सी ए एल गाइजाइ इसमें कोई भी टेंशन नहीं है सिर्फ एक चीज का फर्क आपको डालना है बिकॉज उतना डिटेल करेंगे तो लेट हो जाएगी ये जो ए है ना अब तक ए के बारे में कुछ बोला नहीं कि ए किसका पोर्टफोलियो है तो धीरे धीरे थ्योरी जब इंप्रूव हुई तो उन्होंने बोला कि ऐसा मान लो कि ए सबका रिस्की पोर्टफोलियो है तो सबका रिस्की पोर्टफोलियो इज वॉट मार्केट सो ए विल बिकम मार्केट ज नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द सिक्योरिटी मार्केट लाइन और द एस एम एल ओके द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सिक्योरिटी मार्केट लाइन आपको बहुत सम्स डायरेक्ट नहीं आते बट जब मैं सम्स करूंगी तो सबका रेफरेंस लूंगी तब आपको समझेगा कि इस थेरी का क्या इंपॉर्टेंस है ओके नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज ओके सी ए पी एम और सिक्योरिटी मार्केट लाइन और एस एम एल शॉर्ट में बता के छोड़ रही हूं धीरे धीरे ये जो कॉन्सेप्ट आपका डायग्राम है ये और सेम सेम डायग्राम आगे इवॉल्व हो रहा है विलियम शार्प आ चुका है पूरी तरह से बिकॉज मार्केट की बात आ गई यहां पे, राइट right? तो विलियम शाप के मेजर दो पॉइंट है नंबर वन वो बंदा ये बोलता है आपको दोनों पॉइंट बताऊंगी मैं नंबर वन वो ये बोलता है दैट कि क्या जरूरत है हर स्टॉक को स्टॉक से रिलेट करा के रिस्क कंप्यूट करने की याद करो विलियम सॉरी हैरी मार्कोविट्स की थियोरी में आप जो कॉव ए बी कॉव ए सी कॉव बी सी निकाल रहे थे ये क्या है इन ऑर्डर टू कंप्यूट रिस्क आप सारे स्टॉक्स को एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे थे समथिंग ऑफ दिस सॉट एक्चुअली मे बी लाइक दिस एक दो तीन चार है तो आप इसको इससे रिलेट कर रहे हो इसको इससे रिलेट कर रहे हो और इसको इससे रिलेट कर रहे हो साथ में पॉसिबली यू आर रिलेटिंग दिस विथ दिस एंड दिस विथ दिस एंड देन अगेन यू आर ट्राइंग टू रिलेट मे बी दिस विथ दिस तो ये ये चक्कर चल रहा था राइट टू कंप्यूट वॉट सिग्मा पी ये कर रहे थे अपन वो बंदा बोलता तो लोग बोले क्या करें फिर उसने बोला क्यों नहीं हम एक काम करते हैं कि एक कॉमन फैक्टर ढूंढ लेते हैं और सारे स्टॉक्स को उससे रिलेट करा दो ये इसको इससे, इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे और इससे और ये बनेगा बेंचमार्क ये बन जाएगा बेंचमार्क तो बेंचमार्क अगर सपोज करो बेंचमार्क है तो उसका खुद का रिस्क खुद से होगा वन सो so, अगर इसका रिस्क इज सपोज वन एंड रिटर्न सपोज 15 मतलब मैं मानू कि मैं मार्केट हूं आप स्टॉक हो तो और मैं बेंच मार्क हूं आपके लिए तो मेरे को मेरा रिस्क वन और मैं देती हूं पंद्रह तो आपका मेरे साथ रिलेशनशिप निकालो अगर वो वन आता है तो आपको भी पंद्रह देना चाहिए अगर वो वन से ज्यादा आता है इसका मतलब आपको पंद्रह से ज्यादा देना चाहिए बिकॉज आप मुझसे ज्यादा रिस्की हो अगर आपका रिलेशनशिप मुझसे वन से कम आता है तो आपको पंद्रह से कम देना चाहिए क्योंकि आपका रिस्क मुझसे भी कम है तो आई बिकेम द बेंच उसने रिस्क रिटर्न कैलकुलेशन की पूरी थ्योरी को ही चेंज कर दिया गया जहां हैरी मार्कोविट्स वाज यूजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द स्टॉक्स टू कंप्यूट सिग्मा पी और द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो दिस गाय चेंज द होल कॉन्सेप्ट एंड सेड कि ये हर स्टॉक को दूसरे स्टॉक से रिलेट कराने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर आपको रिस्क निकालना है अगर आपको रिस्क या रिटर्न कंप्यूट करना है तो आप सिर्फ ये देखो कि स्टॉक का मार्केट के साथ में रिलेशनशिप क्या है क्योंकि मार्केट हो जाएगा सेंटर पॉइंट तो अगर मार्केट का रिस्क वन है और वो पंद्रह का रिटर्न दे रहा है तो ये बेंचमार्क सेट हो गया सबके लिए आपका रिस्क अगर वन से ज्यादा है आप पंद्रह से ज्यादा दो आपका रिस्क वन से कम है आप पंद्रह से कम दो आपका रिस्क वन ही है तो आप पंद्रह दो तो ये पूरा कॉन्सेप्ट चेंज होकर के सिक्योरिटी मार्केट लाइन का कॉन्सेप्ट और सीएपीएम मॉडल वॉज ड्रॉन हियर नाउ दिस रिस्क Which I am talking about is nothing but beta, and this 15 is nothing but RM. Saying that if the market is the benchmark for calculating risk, then the beta of the market relationship of me with myself will always be equal to 1. If I am yielding 15% with a beta of 1, relate all the stocks with me. If the sensitivity or if the beta of the stock is more than 1, then that stock should yield more than 15%. If the beta of that stock is less than 1, then it should less, yield less than 15%. And if the beta is equal to 1, that means the stock is as risky as me, it should yield only 15%. It was a relatively very simplified model because Lok thoda Thodas at least, right? Abhi, इस केस में एक बात उसने और बोली ये तो एक बात थी कि स्टॉक को स्टॉक से रिलेट मत कराओ उसको आप रादर स्टॉक को एक ऐसे फैक्टर से रिलेट करो जो सबको अफेक्ट करता है तो मार्केट ही ऐसा फैक्टर है जो सारे स्टॉक्स को अफेक्ट करता है बिकॉज सारे स्टॉक्स मार्केट में ही लिस्टेड होते हैं ओके okay, ये बात हुई बस आगे अगर मैं बढ़ू तो एक चीज उसने और बोला सिंपल है अब इसके बाद कोई थ्योरी नहीं आएगी फटाफट सिर्फ कैलकुलेशंस करेंगे उसने क्या किया कि जो टोटल रिस्क होता है ना सिग्मा 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 टोटल रिस्क ऑफ स्टॉक बोलो टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो भी बोल सकते हो सिग्मा पी को दो पार्ट में डिवाइड किया सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क ध्यान देना ओके okay. इसने क्या बोला कि किसी भी एसेट जब मैं एसेट बोलती हूं तो आई कैन मीन अ स्टॉक आई कैन मीन अ पोर्टफोलियो ऑल्सो सो जस्ट बी रिलैक्सड जब इसने क्या बोला टोटल रिस्क जो होता है किसी भी एसेट का स्टॉक का चाहे पोर्टफोलियो का उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करो मतलब अगर मैं आपसे आज पूछूं कि आप रिस्क का मतलब क्या समझते हो क्या बता पाओगे शायद नहीं प्रॉपरली रिस्क का मतलब होता है जो मैंने सोचा था रिटर्न वो मुझे नहीं मिला या नहीं मिलने का डर इज रिस्क सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मुझे क्यों नहीं मिलेगा तो वो जो नहीं मिलेगा उसको दो पार्ट में डिवाइड करो एक मार्केट की वजह से मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया जीडीपी ग्रोथ रेट खराब हो गई फिजिकल डिफोजिट बढ़ गया मार्केट के मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स खराब हो गए मतलब आपने स्टॉक खरीदा और उस स्टॉक ने आपको प्रॉमिस किया था रिटर्न बहुत ज्यादा लेकिन वो रिटर्न डिपेंडेंट था किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जो कंपनी लगाने वाली थी वो नहीं लगा पाए तो स्टॉक की प्राइस नहीं बढ़ी आपको रिटर्न नहीं मिला आप कुछ कर सकते थे कुछ भी नहीं तो वो हुआ सिस्टमैटिक रिस्क दूसरा कंपनी का सीईओ कंपनी का मैनेजमेंट ऑडिटिंग सिस्टम एंड ऑल दैट अगर वो मजबूत है राइट right? या वो खराब है जो भी है तो वो कहलाएगा अनसिस्टमैटिक रिस्क तो ये बंदा क्या बोलता है विलियम शार्प कि एक एक जो इन्वेस्टर होता है उसको अनसिस्टमैटिक रिस्क लेने के लिए रिटर्न नहीं मांगना चाहिए क्यों अनसिस्टमैटिक रिस्क को तो हटाया जा सकता है ना अगर आपने सत्यम खरीदा है तो आपने क्यों खरीदा आपको पता लगा के खरीदना चाहिए था और अगर आपने खरीद लिया और आप नहीं बेच पा रहे हो तो कोई दूसरा स्टॉक खरीदो जिसका मैनेजमेंट मजबूत है उससे क्या होगा रिस्क विच इज बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ सत्यम वुड बी नलीफाइड वो रिस्क खत्म हो जाएगा सो द ओनली रिस्क फॉर हिम इज सिस्टमैटिक रिस्क ही सेज अनसिस्टमैटिक रिस्क एज एरर एंड एरर्स कांट बी कैलकुलेटेड मतलब टोटल रिस्क अगर हंड्रेड है सेवेंटी परसेंट अगर सिस्टमैटिक है तो जो बच गया वो थर्टी परसेंट इज योर अनसिस्टमैटिक रिस्क एंड वो बोलता है कि अगर किसी इन्वेस्टर ने अनसिस्टमैटिक रिस्क वाला स्टॉक या पोर्टफोलियो रखा है तो वो उसकी गलती है उसको उस चीज के लिए कोई भी तरह का रिटर्न नहीं मिलेगा ओके एंड सिस्टमैटिक रिस्क कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बीटा यानी रिस्क का नया मेजर आया सिग्मा नहीं बीटा सिग्मा में दोनों होते हैं सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक बीटा में सिर्फ सिस्टमैटिक होता है आई होप यू गॉट इट आगे बढ़ रहे हैं अपन ओके okay, सो so ये दो बातें इसने बोली आप बोलोगे तुम्हें क्या होता सिस्टमैटिक रिस्क लिखती हूं थ्योरी में S पर शार्प एस पर शार्प दो बातें बोली दोनों लिख रही हूं मैं The risk should not be computed by relating stocks with each other. You can write down, guys, notes. But not there. With each other, rather, they should be. related to a common factor to a common factor like market for simplified version computation rather ये एक बात होगी मतलब आप रिस्क कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप स्टॉक्स को रिलेट कर करके रिस्क मत निकालो रादर आप किसी एक चीज को बेंचमार्क बना दो उसके रिटर्न को बेंचमार्क बना दो उसके रिस्क के बेंचमार्क बना दो और बाकी सबको इससे कंपेयर करते रहो कम या ज्यादा एक और बात उसने क्या बोली टोटल रिस्क टोटल रिस्क को आप दो पार्ट में डिवाइड करो सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क ओके इन्वेस्टर्स शुड बी कॉम्पन्सेटेड ओनली फॉर अज्यूमिंग सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क शुड बी कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड अवे इसलिए सिस्टमैटिक रिस्क को कुछ नाम से बुलाते हैं लिख लेना सिस्टमैटिक रिस्क मार्केट रिस्क नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क को बोलते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क फॉर्म स्पेसिफिक एस डी एंड डाइवर्सिफाइबल रिस्क नाम क्या आएगा पेपर में मैं नहीं बता पाऊंगी और फॉर्मूला बनेगा सिग्मा स्क्र पी बीटा स्क्र पी सिग्मा स्क्यर एक्स प्लस सिग्मा स्क्वायर ई फॉर पोर्टफोलियो डिराइवेशन है वी कॉन्ट डिस्कस एज ऑफ नाउ, वी नीड टू मूव फास्ट नाउ टोटल रिस्क ये मैंने इससे रिलेट किया टोटल रिस्क है ये

साथ में चल रहा है तो चलने देती हूं राइट सिग्मा एक्स इज रिस्क ऑफ मार्केट रिस्क ऑफ मार्केट एंड सिग्मा ई पी इज अनसिस्टमेटिक रिस्क एक बात काम की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सुन लो और वो ये है दैट कि मार्कोविट्स कैसे पहचानोगे सम्स में किसकी थियरी चल रही है Guys, जब आएंगे ना सम्स आपको फटाफट सम्स बनेंगे अभी आपको लग रहा है कि यू आर लूजिंग कम्फर्ट डोंट वरी आज इतने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ बारह सालों से और हजारों बच्चों को पढ़ाया है सबने अच्छा परफॉर्म किया है लेकिन कुछ टाइम प्लीज दस पंद्रह मिनट और वेट करो आप एक चीज ध्यान रखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूं अगर दो स्टॉक के बीच में रिलेशनशिप की बात होगी तो वो मार्कोविट्स की थियरी चल रही है फॉर्मुलाज अकॉर्डिंगली आएंगे अगर स्टॉक और मार्केट के बीच में बात चल रही है तो मार्कोविट्स की कोई जगह ही नहीं है वो विलियम शार्प है उस बेसिस पे आइडेंटिफाई करना सम्स किसके के हिसाब से बनेंगे विलियम शार्प क्या हैरी मार्कोविट्स वो सम्स जब मैं करवाऊंगी तो आपको याद भी करवाऊंगी जस्ट रिलैक्स ऑन दैट ये है विलियम शार्प की थ्योरी ओके नाउ इसका डायग्राम मैं आपको बना देती हूँ सीएपीएम मॉडल का शायद वो अपने को काम आएगा नाउ रिस्क सिग्मा पी नहीं ले सकते बीटा लेना पड़ेगा रिस्क का मेजर और यहां पे आप आर पी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है इक्वेशन जा रही है ये आर एफ है और ये आपका आर एम माइनस आर एफ आपको याद है सीएल के क्वेश्चन में आर ए माइनस आर एफ बाई सिग्मा ए लिखा था तो आर ए माइनस आर एफ की जगह हो जाएगा आर एम माइनस आर एफ सिग्मा ए की जगह पे हो जाएगा बीटा एम एंड बीटा ऑफ मार्केट इज वन ओके, लीव आर पी इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ द होल इन टू बीटा ओके आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ स्ट्रेट लाइन है ये वाली एंड दिस इज एस एम एल राइट सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि ये रिस्क है और ये रिटर्न है राइट right? तो कोई भी स्टॉक कोई भी स्टॉक अगर है तो ये आर एफ वाला पार्ट है ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ध्यान देना राइट और उसके बाद डिपेंड करेगा कि वो मार्केट के साथ कैसे रिलेट हो रहा है देखो आप बीटा है ना यहां पे? अगर सपोज किसी स्टॉक का बीटा वन है तो क्या होगा अगर वन होगा तो क्या होगा आर एफ आर एफ कैंसिल होकर आर एम आंसर आएगा बस यही रिलेशनशिप इसमें डाली हुई है इससे ज्यादा दिमाग मत लगाना आगे बढ़ रही हूं मैं